हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वदेश कुमार अग्रवाल, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस दंगल टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट नंबर 10 में। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा गया होगा, आपने अच्छे तरीके से उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा और बहुत अच्छे मार्क्स आपके एक्सपेक्टेड होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब बस कुछ ही दूर हम नीट 2021 के हैं, तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग नीट में एक बहुत अच्छी रैंक को सिक्योर करेंगे। तो उसके लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। और आज के लिए चलिए शुरू करते हैं बच्चों, हम हमारे इस नीट के दंगल 10 के टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशंस। तो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इन ए गिटार टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटीरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रिक्वेंसी 6 हर्ट्स। वैन टेंशन इन बी स्लाइटली डिक्रीज द बीट फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज टू 7 हर्ट्स। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्स, द ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी ऑफ बी विल बी। तो बच्चों, हमें ये कहा गया है कि दो हमारे पास में स्ट्रिंग्स हैं ए एंड बी। मान लीजिए ए जो है वो जिस फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करती है वो है एफ ए, और बी जो है जिस फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करती है वो है एफ बी। हम जानते हैं इनके बीच में क्योंकि फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है, सो देर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ बीट। तो एफ ए माइनस एफ बी जो बच्चों होगा वो हमें दे रखा है 6 हर्ट्स। अब हमें क्या कहा गया है कि जो बी है उसकी टेंशन को हमने डिक्रीज कर दिया है। हम जानते हैं कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो टेंशन के रूट के प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर आपने टेंशन डिक्रीज की है इसका मतलब आपने फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज की है। तो सोचिए, अगर आपने बी की टेंशन डिक्रीज की है तो बी की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इनके बीच का डिफरेंस बढ़ जाएगा, यानी 6 से ज़्यादा बीट फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी, और जो हमें मिल भी रही है 7 हर्ट्स हमारे को देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिल रही है। तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक, हमने एफ ए माइनस एफ बी बिल्कुल ठीक लिख रखा है। अगर हम एफ बी माइनस एफ ए लिखते तो ऐसा हमें नहीं मिलता। तो एफ ए माइनस एफ बी हमारे को कितना मिल रहा है, 6 हर्ट्स मिल रहा है। तो हमें कहा गया है कि अब ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 530 हर्ट्स। तो ए की फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिख देता हूँ 530 हर्ट्स माइनस, हमें बी की फ्रीक्वेंसी को निकालना है ओरिजिनली, यानी जब ये 6 हर्ट्स प्रोड्यूस कर रही थी। तो एफ बी बच्चों हमारे पास में कितना आ जाएगा इसको सोल्व करके, 524 हर्ट्स। तो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट प्रॉब्लम। आइए चलते हैं बच्चों सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू बोथ फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो देखिए बच्चों, जब भी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो जब बढ़ती है तो वो केवल और केवल तभी बढ़ती है जब वो रिवर्स बायस के अंदर हो, यानी जो पी टाइप का जो हमारा सेमी कंडक्टर है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा हुआ हो और एन टाइप का सेमी कंडक्टर जो है वो पी टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो। यही कारण है कि उनके जो चार मेजर चार्ज करियर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे और इस वजह से जो डिप्लीशन लेयर जो है वो थोड़ी सी वाइड होती जाती है। तो केवल और केवल ये रिवर्स बायस की ही प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पर बच्चों जो आंसर लगा देंगे वो लगा देंगे आंसर नंबर 4, दैट इज़ रिवर्स बायस ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 वो दे रखा है, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड्स कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू, वेयर आर वन इज इक्वल टू 1.5 R2 थ्रू 1 K आर इन द रेशो। तो हमें क्या बताना है कि क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। तो हम जानते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी होता है, यानी कि डेल्टा क्यू जो है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू मास, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू मास, और हमें ये स्फीयर दे रखे हैं। तो मैं कह सकता हूँ मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो डेल्टा क्यू हमारे किसके प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों, रो इनटू 4/3 πr³। रो जो है दोनों कॉपर के दे रखे हैं तो सेम रहेंगे, यानी यहाँ पर जो हमारे को चेंज मिलेगा डेल्टा Q1 डिवाइड बाय डेल्टा Q2 में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेडियस के, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ R1/r² 3। तो जैसा कि हमें दे रखा है कि R1 किसके बराबर है, 1.5 R2, मैं R1 की जगह रिप्लेस कर देता हूँ 1.5 R2 डिवाइड बाय R2 इसका होल क्यूब,
ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट 1.5 होल क्यूब डिवाइड बाय 1, ये बच्चों आ जाता है 3.75 समथिंग। और जब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 3/27/8 यानी 27/8। ठीक है, इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर 27/8, ये आपको रेशो मिल जाएगा, करेक्ट। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स, व्हेन एल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज पाई बाई 3, इफ इंस्टीड सी इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस इज अगेन पाई बाई 3 करंट एंड वोल्टेज, द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज। तो पावर फैक्टर हम जानते हैं बच्चों कॉस फाई से डिनोट करते हैं, और ये होता है बच्चों हमारे पास आर बाई जेड। ठीक है, आर बाई जेड। अब देखिए, अगर शुरुआत में मैंने सबसे पहले L को हटा दिया, शुरुआत में हमने सबसे पहले L को हटा दिया, तो हमारे पास में जो टेन फाई की वैल्यू है यानी फेज की जो वैल्यू है करंट और वोल्टेज के बीच में, वो हमें क्या मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ से किसको हटा दिया है, L को हटा दिया है, तो केवल सर्किट के अंदर एल सी आर सर्किट लेके चले थे, L को हटा दिया तो हमें मिलेगा ये एक्स सी बाय आर। दूसरी कंडीशन में बच्चों हमें कहा गया है कि हमने अब की बार सी को हटा दिया है, सी को हटा दिया है तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस वापस पाई बाई 3 है, यानी अब वापस मेरे को टेन फाई कितना मिल रहा है, अब की बार मैंने सी हटा दिया है तो ये किसके बराबर होगा, एक्स एल बाई आर। दोनों के लिए टेन फाई की वैल्यू सेम है, क्यों है, क्योंकि दोनों के लिए ही फेज डिफरेंस हमें पाई बाई 3 दिया हुआ है, यानी ये दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स सी बाय आर विल बी इक्वल टू एक्स एल बाय आर। बच्चों ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक्स सी एक्स एल के बराबर आ जाएगा, जो कि हम जानते हैं इट इज़ अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो ये हमारे पास क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन है, जहाँ पर जेड किसके बराबर आ जाता है बच्चों, जेड बराबर आ जाता है आर के, तो जेड जब आर के बराबर हो जाएगा तो इन दोनों को कैंसिल करके मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ 1, तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल था आपने, आई होप कि सभी ने सही किया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है हमें। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ इट आर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड द हाइट ऑफ द टार इज। तो हाइट ऑफ द टार हमें यहाँ से निकालनी है। मान लीजिए ये हमारे पास में टावर था, ठीक है, हमने यहाँ से जो बॉल है वो नीचे की तरफ थ्रो की, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी जो हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, और जब ये ग्राउंड को हिट करती है उससे जस्ट पहले की जो इसकी वेलोसिटी है सपोज वी, वो हमें दे रखी है 80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमें हाइट ऑफ द टार ये निकालनी है कितनी होगी, तो हम लिख सकते हैं बाई यूजिंग थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वी हमें दिया हुआ है 80 स्क्वायर, इस u को इधर ले आओगे तो बनेगा 20 स्क्वायर इक्वल टू 2g का मतलब 10 ले लेते हैं, और ये हो गई h, तो ये 6400 माइनस 400 ये बच जाएगा 6000 डिवाइड बाई 20, ये हमारे पास हो जाएगा h, ये आपस में कैंसिल तो h हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 300। तो 300 मीटर जो है हमारा करेक्ट हाइट का, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा, टावर की हाइट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ, यानी बच्चों हमारे को क्या है कि जो वैल्यू ऑफ डी है वो अब चेंज होकर के डी बाई 2 हो गई है, दो कोहेरेंट सोर्सेज के बीच का जो सेपरेशन था वो आधा हो गया है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज डबल्ड, यानी जो हमारे पास कैपिटल डी की वैल्यू है वो अब हमारे पास बढ़ करके हो गई है 2d। हमें बताना है कि फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट आएगा, तो बच्चों फ्रिंज विड्थ होती है हमारे पास, फ्रिंज चौड़ाई होती है d लैम्डा बाई d,
वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य हमने परिवर्तित नहीं की है, डी हमने की है 2D, ये मान लीजिए नई कंडीशन में डी को हमने कर दिया है 2D और इस स्मॉल डी को कर दिया है डी बाई 2, जो ऊपर जाके हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ डी लैम्डा बाई डी, यानी डी लैम्डा बाई डी को मैं लिखता हूँ 4 टाइम्स ऑफ बीटा, यानी 4 गुना हो जाएगी। तो इसका आंसर बच्चों हम क्या कर देंगे, 4 टाइम्स यानी 4 गुना ये फ्रिंज चौड़ाई हमारे को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है नीचे दिए गए ग्राफ में से कौन सा ग्राफ कॉपर के लिए ताप टेम्प यानी टी के साथ प्रतिरोधकता रो के विचरण को निरूपित करता है। तो बच्चों आपको ये रिलेशन मालूम होना चाहिए कि ये रो किसके बराबर होता है, रो नॉट ई टू द पावर अल्फा टी, रो इज इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर अल्फा टी। तो हमें एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें मिल जाएगा और ये ग्राफ जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अ लॉन्ग सोलेनाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरीज अ करंट 2.5 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनाइट। तो एट द सेंटर ऑफ द सोलेनाइट हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई। तो म्यू नॉट है हमारे पास 4 पाई इंटू 10^-7। सिंपल क्वेश्चन, जो एन की वैल्यू हमारे को दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू दे रखी है, वो हमारे को दे रखी है 100 टर्न्स। लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 50 सेंटीमीटर, आई विल कन्वर्ट इनटू द मीटर सो इट विल बिकम 0.5 इनटू, करंट हमारे को दिया हुआ है बच्चों 2.5 एम्पियर 2.5 एम्पियर। ठीक है ना, बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हटाएंगे तो ये 1000 बन जाएगा और यहाँ से हम देखेंगे तो ये 0.5 बन जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास में, ये 500 इंटू 4 2000 इंटू पाई इंटू 10^-7। तो बच्चों ये हमारे पास में कितना आ गया, ये 30 से 10^-4 3.14 इंटू टी, ये 6.28 बन गया। तो हमारे पास इसका आंसर जो आ जाएगा 6.28 इंटू 10^-4 टेस्ला, यानी ये थर्ड ऑप्शन के रूप में हमारे को इसका करेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव मटीरियल, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड द इंटेंसिटी इज डबल्ड। तो देखिए बच्चों, लाइट फ्रीक्वेंसी जो हमारे को दे रखी है, दैट इज एफ या न्यू कह सकते हैं हम, न्यू जो है वो हमारे को दे रखी है, इट इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू नॉट कह देते हैं। अब सोचिए कि अगर हमसे ये कहा गया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं आधा कर देता हूँ, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं हाफ कर देता हूँ, तो इधर भी हाफ लगा दिया तो ये मेरे को मिला 0.75 न्यू नॉट। यानी अगर मैं अब इस न्यू बाई 2 फ्रीक्वेंसी का फोटोन अगर इंसिडेंट करवाऊंगा फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे भी कम है, यानी हमारे से फोटो एमिशन होगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेंगे और बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो फोटो करंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब पूरा हुआ ही नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकले, तो ऑब्वियसली फोटो करंट भी होगा ज़ीरो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा ज़ीरो। आइए हम बच्चों आगे चलते हैं। अ स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm एंड देर आर 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज विल बी। तो देखिए बच्चों, इसका फॉर्मूला मेरे को मालूम है, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल।
नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो हमें निकालनी है यहाँ पर पिच, तो पिच किसके बराबर हो जाएगी, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट हमारे पास में कितना है, 0.01, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 50, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.5 mm। तो हमारे पास जो ऑप्शन का सही आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 0.5 mm। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे को दे रखा है वेरी सिंपल, आप कह सकते हैं कि जब हम NLM पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से शुरुआत करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों के सिरों को किसी द्रव्यमान रहित डोरी से बांधा गया, यह डोरी किसी घर्षण रहित गिरनी से गुजरती है, तो गुरुत्वीय त्वरण के पदों में इस निकाय का त्वरण कितना होगा। तो हम जानते हैं त्वरण कितना होगा, ये 6g नीचे ऐसे लग रहा है, 4g ऊपर, तो नेट इसके ऊपर जो बल होगा वो कितना होगा, वो होगा 6g माइनस 4g अपॉन टोटल मास या टोटल द्रव्यमान 6 + 4। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 6 और 4 2g/10, या इसको मैं लिख सकता हूँ g/5। तो ये g/5 हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्शन ये आ जाएगी हमारे पास त्वरण की। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल जो हमारे को दे रखा है वो ये दे रखा है कि फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बच्चों इसके अंदर जो बेस रीजन होता है वो बहुत ही पतला और लाइटली डोप बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं ताकि रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस जो है वो पॉसिबल ना हो पाए, रिकॉम्बिनेशन जल्दी जल्दी ना हो पाए। तो सिंपल है, इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, द बेस रीजन शुड बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड व्हेन वी आर यूजिंग एज अ ट्रांजिस्टर फॉर पीएन जंक्शंस। ओके, जंक्शंस को अगर हम ट्रांजिस्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारा बेस है, आधार क्षेत्र जो है, पतला होना चाहिए और लाइटली डोप होना चाहिए ताकि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस ना हो पाए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हमें मालूम है बोर मॉडल मॉडल जो है केवल उन्हीं एटम्स के लिए वैध होता है जिसके बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, या एक इलेक्ट्रॉन वाले हम कह सकते हैं कि परमाणुओं के लिए ये वैध होता है। तो आप चेक कर सकते हैं, ड्यूट्रॉन में हम कह सकते हैं 1H2 एक इलेक्ट्रॉन, और नियोन जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑब्वियसली 10, क्योंकि इसके लिए हम यूज़ करते हैं इसका एटॉमिक नंबर। तो ये मॉडल इस नियोन के लिए वैध नहीं होगा, हाइड्रोजन और हीलियम HE+ इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो इन सब के लिए वैलिड है, केवल ये सेकेंड नियोन प्लस के लिए वैलिड नहीं है। तो हमारा जो ये सेकेंड ऑप्शन है बच्चों, ये हमारा इसका एक करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्ज्ड इन द वाटर एंड वाटर राइजेज इन इट टू द हाइट h, द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम, अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r इज इमर्ज्ड इन वाटर, द मास ऑफ द वाटर दैट विल राइज इन दिस ट्यूब। तो कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, हम जानते हैं कि जो हाइट ऑफ वाटर जिसके अंदर वो राइज करता है वो होती है 2t cos θ/ρ r g, ऐसे हम आपको याद होगा अवश्य। तो h यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया r के। अब जैसा कि हमें दे रखा है कि मास ऑफ द वाटर इज 5 ग्राम, जब हम r, ये जो रेडियस है उस कैपिलरी ट्यूब की वो r लेते हैं, तो उसके अंदर जो वाटर राइज करता है उसका मास है 5 ग्राम। अगर 2r लेते हैं तो क्या होगा, सोचो अगर ये 2r लूँगा तो हाइट कितनी हो जाएगी, अगर मान लीजिए ये मैं 2r लेता हूँ, ठीक है, तो h/h करो ज़रा, इसमें इसको डिवाइड कर दो, तो h/h, ये 1/r, ये 1/2r, ये आपस में कैंसिल, तो h/h हमें क्या मिलेगा 2, और यहाँ से h मिलेगा h/2, यानी ये आधी ही हाइट तक चढ़ेगा। और अगर आधी हाइट तक चढ़ेगा तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है, एक के अंदर हमने रेडियस ले रखी है r, ठीक है, इसके अंदर जो वाटर राइज कर रहा है, वो मान लीजिए h हाइट तक कर रहा है, और जब हमने इसकी रेडियस ले ली है 2r, ये रेडियस ले ली है हमने इसकी 2r,
तो इसमें किस हाइट तक राइज कर रहा है? ओनली टू एच बाई टू हाइट तक राइज कर रहा है। तो इसका मास कितना होगा? तो मास कितना होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो पहले केस के अंदर मास कितना है? 5 ग्राम इज इक्वल टू डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दूसरे केस में मान लीजिए, इस केस के अंदर जो इसका मास है, जो वाटर राइज किया है, वो मास हम ले लेते हैं एम, तो वो कितना हो जाएगा? रो इंटू पाई, इसकी जो हमारे पास में रेडियस है वो है 2R² और ये है एच बाई टू। ठीक है, तो 5 ग्राम डिवाइड बाई एम, इसमें से सारी वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, R² से R² कैंसिल, ये कैंसिल, ये 4 निकलेगा, 4/2 2 बच जाएगा, यानी 1/2 बच जाएगा। तो एम हमारे पास में बच्चों कितना आ जाएगा? 10 ग्राम। एम हमारे पास कितना बच जाएगा? 10 ग्राम, यानी इसके अंदर जो वाटर राइज कर रहा है उसका मास होएगा 10 ग्राम। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे को क्या दे रखा है? किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के घटकों की तीव्रताओं की योगदान का अनुपात क्या होगा? तो दोनों बराबर बराबर योगदान देती हैं, इसलिए इसका जो रेशो है वो हो जाएगा 1:1। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 400 एम्पियर पर मीटर, द परमीएबिलिटी ऑफ मटीरियल ऑफ द रोड विल बी। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? हमें मालूम है कि जो म्यू आर का मान होता है वो होता है 1+ काय, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ से म्यू आर का मान कितना हो जाएगा? 1+599 हमें दे रखा है, यानी 600 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि म्यू आर किसके बराबर होता है? म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट, ये होती है रिलेटिव परमीएबिलिटी। तो म्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, तो म्यू आर, म्यू नॉट की वैल्यू 4π इंटू 10^-7 जैसा कि हमें दे भी रखा है, और म्यू आर की वैल्यू हमने निकाल दी है, कितनी है? 600। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 2400 π इंटू 10^-7, इसमें से ये 3 जीरो कम कर देते हैं, 2.4 π, तो 3 जीरो कम करेंगे तो ये बचेगा -4, तो ये हमारे पास में 2.4 π इंटू 10^-4, यानी हमारे को ऑप्शन जो मिलेगा वो मिलेगा थर्ड एज ए करेक्ट आंसर। ओके, तो इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द ब्रूस्टर एंगल IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी। तो देखिए बच्चों, ब्रूस्टर एंगल का जो हमारे पास में रिलेशन होता है वो होता है कि जो 10 IB होता है वो किसके बराबर होता है? म्यू के, ये हम जानते हैं। और म्यू जो होता है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है इन्फानाइट तक, यानी म्यू की वैल्यू जो है वो हम जानते हैं 1 से इन्फानाइट तक होती है। अगर मैं तीनों जगह 10 इनवर्स ले लूं, तो 10 इनवर्स 1 विल बी ग्रेटर देन 10 इनवर्स म्यू, 10 इनवर्स इन्फानाइट। तो 10 इनवर्स 1 का मतलब होता है बच्चों 45 डिग्री। 10 इनवर्स म्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो IB कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स म्यू के बराबर आ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया? IB। और इधर कितना आ जाएगा? 90। तो IB की जो वैल्यू होती है 45 से 90 के बीच में होती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच में कितना कालांतर होता है? बच्चों, विस्थापन और वेग के बीच में 90 डिग्री का, और विस्थापन और त्वरण के बीच में कितना कालांतर होता है? पाई रेडियन का कालांतर होता है। क्योंकि आप अगर आप साइन ओमेगा टी लेकर के चलते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करके आपको कॉस ओमेगा टी मिलता है, यानी π/2 का आपको कालांतर मिलता है। और एक और बार उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें -sin ओमेगा टी मिलता है, यानी पाई का डिफरेंस क्रिएट होता है, पाई कला का
अंतर आ जाता है, तो ये पाई रेडियन का कालांतर इन दोनों के बीच में आ जाएगा और हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, पाई रेडियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, ये हमें दिया हुआ है, उपेक्षणीय द्रव्यमान 1 मीटर लंबी किसी दृढ़ छड़ के दोनों सिरों पर 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान के दो कण जुड़े हुए हैं। 5 किलोग्राम के कण इस निकाय के संयति केंद्र से दूरी कितनी है, यानी सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, एक नगण्य द्रव्यमान की छड़ है, दो इसके सिरों के ऊपर द्रव्यमान लगे हुए हैं, 1 मीटर लंबी है ये, एक 5 किलोग्राम है और एक 10 किलोग्राम है। तो हमें बताना है 5 किलोग्राम से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति यानी ये क्या होगी एक्स। तो बच्चों एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, जिससे हमें दूरी पूछी है उससे दूसरे वाला द्रव्यमान लीजिए, उसको आप इन दोनों के बीच की दूरी से मल्टीप्लाई कीजिए और भाग दे दीजिए इन दोनों के कुल द्रव्यमान का, यानी 10+5, तो ये बच जाएगा 10/15 यानी 0.67 मीटर, या सेंटीमीटर में लिखें तो 67 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कौन सा उत्तर सही आ जाएगा इसका, 67 सेंटीमीटर, यहाँ से 67 सेंटीमीटर और यहाँ से 33 सेंटीमीटर, तो हमसे यहाँ से पूछे तो 67 सेंटीमीटर आ जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी गोलीय चालक पर 3.2×10⁻⁷ कूलम्ब आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो सिंपल, एक गोलीय चालक है हमारे पास में, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे पूछी है, जबकि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, तो कितना हो जाएगा, KQ/R², तो E का मान हमारे पास में आ जाएगा 9×10⁹। ठीक है, Q हमारे पास में कितना है, 3.2×10⁻⁷। R हमारे पास कितना है, तो ये हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.15 m². ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों हमारे पास में इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 1.28×10⁵। तो यानी हमारे पास में जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन के रूप में इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद दे रखा है, एज्यूम दैट द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम द स्टार, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज अ डायमीटर ऑफ 2 मीटर इज। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का, इट इज 1.22 λ/d, d इज डायमीटर, तो 1.22 × ये हमें दे रखा है 600 × 10⁻⁹ मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब, और डी डायमीटर जो हमारे को दे रखी है वो दे रखी है 2। तो हमारे पास में बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.66×10⁻⁷ रेडियन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5×10⁻⁴ पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3×10⁻¹ वोल्ट पर मीटर हैज ए मोबिलिटी इन मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स ऑफ। तो देखिए बच्चों कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हमारे को हम जानते हैं कि वी डी होता है किसके बराबर, μ×E, वेयर म्यू इज द मोबिलिटी। तो यहाँ पर हमारे पास में पूछा है क्या मोबिलिटी कितनी होगी, तो वो कितनी होगी, VD/E मोबिलिटी हमारे पास में कितनी होगी, VD/E। तो यहाँ से VD का मान हमें कितना दे रखा है, VD का मान हमें दे रखा है 7.5×10⁻⁴, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें दे रखा है 3×10⁻¹। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा 10⁶ और यहाँ से आ जाएगा 2.5।
तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6 यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा जो इसका है करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सार्थक अंगों को महत्व देते हुए 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर का मान क्या है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है हमें ज़्यादा, हमारे को दो नंबर दे रखे हैं, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। इसमें हमें सार्थक अंकों का जो रूल दिया था, नियम दिया था, जोड़ते और घटाते वक्त, वो नियम ध्यान में रखना है। जोड़ते और घटाते वक्त का नियम ये है कि डेसिमल के बाद में यानी दशमलव के बाद में उतने ही स्थान हम आंसर में रखते हैं जितने कि इनमें प्रयुक्त होने वाली राशि में न्यूनतम होते हैं। तो इसमें दशमलव के बाद दो स्थान है, इसमें दशमलव के बाद चार स्थान है, तो हमारे पास भी आंसर के अंदर वो आंसर सही होगा जो दशमलव के बाद दो स्थान रखता हो। तो दशमलव के बाद दो स्थान केवल एक ही ऑप्शन रख रहा है, ये 9.98, इसमें दो अंक हैं, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो हमारे को दे रखा है वो दे रखा है क्वेश्चन 24। किसी पदार्थ में 0.5 ग्राम के तुल्यांक ऊर्जा कितनी है। तो ऊर्जा हम जानते हैं किसके बराबर होती है, E बराबर एम सी स्क्वायर। तो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और बच्चों C होता है 3 × 10^8, इसका स्क्वायर कर देंगे 9 × 10^16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.5 इंटू 10^13 जूल। तो ये हमारे को फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, हमारा फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब यूरेनियम के किसी समस्थानिक यूरेनियम 92-235 पर न्यूट्रॉन बमबारी करता है तो 36 क्रिप्टॉन, 89 और 3 न्यूट्रॉन के साथ उत्पन्न होने वाला नाभिक कौन सा है। तो देखिए हमारे पास में ये यूरेनियम दे रखा है 92-235 प्लस इस पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी हुई, हमें एक एक्स नाभिक मिला और इससे 3 न्यूट्रॉन जो हैं वो बाहर निकले। तो इसको हम जोड़ के निकाल सकते हैं 235 और एक 236, यहाँ पर है 3। तो यूरेनियम 92 235 हमारे को ये निकालना है कि ये एक्स जो है वो कितना होगा, साथ में क्रिप्टॉन भी निकला हुआ है हमारे पास में, एक क्रिप्टॉन और निकाल देते हैं 3689। ओके, अब इनको जोड़ लो आप, यहाँ पर 235 और एक 236 और यहाँ पर बन रहा है 90। 235 और एक 236, यहाँ पर है एक और ये 3, तो ये हो गया 3 और 89 कितने हो गए 92। तो 236 में से 92 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 144। यहाँ पर है 36 और यहाँ 3, यहाँ 0 है तो ये 36 और यहाँ पर है 92, तो ये घटाएंगे तो आप बनेगा 56। तो आप देख लीजिए 144 और 36 वाला एक ही ऑप्शन हमारे पास आएगा, बेरियम, तो बेरियम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मूवमेंट ऑफ 16 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60° विद द डाइपोल एक्सिस। इसका सिंपल फॉर्मूला हमें याद होता है, KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर, के मतलब 9 × 10⁹, पी मतलब जो हमें दिया हुआ है 16 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा ऐसा, सॉरी कूलॉम इंटू मीटर है, ये कूलॉम इंटू मीटर है, तो कूलॉम इंटू मीटर का मतलब हमारे पास में क्या हो गया, कूलॉम इंटू मीटर सेंटीमीटर नहीं है सॉरी, तो 16 × 10⁻⁹ ठीक है। और इसके बाद में इसको कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 60 दैट इज 1/2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर कितना है 0.6 स्क्वायर, इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 200 वोल्ट, हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
किसी सिलेंडर में 249 किलो पास्कल दाब और 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी, इसका घनत्व कितना होगा? हम जानते हैं घनत्व के रूप में जो हमारी समीकरण होती है आदर्श गैस की, वो होती है P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम डब्ल्यू। हमें निकालना है घनत्व, तो रो किसके बराबर आ जाएगा? P इंटू एम डब्ल्यू डिवाइड बाई आर टी। दाब हमें दे रखा है 249 किलो है, तो हमने 10^3 लगा लिया। हाइड्रोजन दी है तो उसके लिए 2 ग्राम यानी किलोग्राम में चेंज कर देंगे, डिवाइड बाय आर मतलब 8.314, और टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 27 यानी 300 केल्विन। इसको बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है किसी एक परमाणु गैस की औसत तापीय ऊर्जा कितनी होती है। तो बच्चों औसत तापीय ऊर्जा हमारे पास में कितनी होती है, F/2 kT। अगर एक परमाणु गैस है तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी 3, तो यानी 3/2 kT, यानी हमारे पास में ये वाला ऑप्शन जो है इसका इसका हमारे पास में जो ये वाला ऑप्शन जो है 3/2 kT वो सही हो जाएगा, यानी हम इसको सही मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो हमें क्या कह रहा है, द कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। ये हमें एक कलर कोड दे रखा है, येलो वायलेट ब्राउन गोल्ड, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रेस्पेक्टिवली आर। तो आपको ध्यान होगा हम लोग इसके लिए एक लाइन हम याद करते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और उससे हम ये सब चीजें निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, हम लिखते हैं यहां पर बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और यहां पर हमारे पास होता है गोल्ड सिल्वर नन, यहां पर हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां पर हम लिखते हैं 5% टॉलरेंस, 10% टॉलरेंस और 20% टॉलरेंस। ठीक है, अब हमारे पास में है येलो, तो येलो हमारे पास में आ गया ये, तो मैं लिख दूंगा 4। फिर हमारे पास में वॉयलेट, वॉयलेट हमारे पास में आ गया ये, मैं लिख दूंगा ये 47। फिर हमारे पास में है ब्राउन, ब्राउन का मतलब हमारे पास ये आ गया, तो ये हो गया (10^1) प्लस माइनस। फिर हम लिखते हैं टॉलरेंस, टॉलरेंस के लिए हमारे पास में है गोल्ड, गोल्ड के लिए आ जाएगा 5%। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 470 ओम। ये तो रेजिस्टेंस आ गया और इसके अंदर टॉलरेंस जो आ गया वो आ गया 5%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 470 ओम प्लस माइनस 5% या 5%। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसके आगे चलते हैं बच्चों। आगे का जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्टी। देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दिया हुआ है फॉर द लॉजिक सर्किट शोन बिलो द ट्रुथ टेबल इज, ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसके लिए हमें ट्रुथ टेबल दी हुई है। मान लो हम यहां पर रखते हैं 0 और यहां पर भी रखते हैं 0। अगर हम इन दोनों पर 0 रखते हैं बच्चों, तो ये एक नोट गेट लगा हुआ है यहाँ पर 1-1 आ जाएगा, ये यहाँ पर और गेट लगा हुआ है तो ये यहाँ 1 आएगा, और उसका नॉट लगा हुआ है यानी यहाँ पर 0, यानी 0-0 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 0। तो ये भी हो सकता है ऑप्शन, ये भी हो सकता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब एक 0-1 रख के देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 0 रख दिया और अब की बार यहाँ पर हमने क्या रख दिया, यहाँ पर हमने रख दिया सपोज 1। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 1 रखा, इसका तो रेस्पॉन्स वही 1 आएगा, इसका रेस्पॉन्स आ जाएगा 0। यहाँ पर पहुंचेगा हमारे पास में 1 और 0 से
इस पॉइंट पर, क्योंकि ये और गेट है, यहाँ पर वन पहुंचेगा, वन से नोट कराएंगे तो जीरो, यानी जीरो और वन रखने पर हमारे को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, जीरो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वन रिस्पॉन्स मिल रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे तो जीरो रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसका मतलब है इसका जो थर्ड ऑप्शन है बच्चों, वो इसका एक करेक्ट सोल्यूशन होगा, क्योंकि इन दोनों रिस्पॉन्सेज से हमारे को यही आंसर मिल रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन हमारे मैच नहीं करेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमें क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमें बोलता है, अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज बैलेंसेज अ 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप एट अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ब्रिज वायर इन द रेशो 3:2। If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the angle, then the length of 1 meter of the resistance wire will be. तो मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, इसका मतलब है हमारे पास में इस तरीके का एक मीटर ब्रिज दे रखा था, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर था, एक रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे था, ठीक है, इस तरीके से ये जुड़ा हुआ था हमारे पास में, ये जो कि हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया, और इस तरीके से ऐसे करके हमें ये जो रेशो मिल रहा है, ये मिल रहा है 3:2। हमें कहा है कि राइट गैप के अंदर मीटर ब्रिज के राइट लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज बैलेंसेज 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप एट ए पॉइंट व्हिच प्रोवाइड्स द ब्रिज वायर इन द रेशो 3:2। हिंदी में भी पढ़ेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसके दाएं अंतराल के अंदर राइट हैंड साइड में 10 ओम प्रतिरोध को लिखा हुआ है, यानी इसका जो प्रतिरोध है वो है 10 ओम, इसको मैं आर मान लेता हूं। तो हम जानते हैं कि ये एक तरीके से वीट स्टोन ब्रिज का निर्माण करता है, यानी पी बाई क्यू किसके बराबर होगा, आर बाई एस, तो पी बाई क्यू मतलब आर बाई थ्री, ये बच्चों किसके बराबर होगा, ये हमारे पास बराबर होगा 10/2 के, तो आर किसके बराबर होगा 3/2 × 10 के, यानी आर बराबर किसके होगा 15 के, यानी हमारे पास में इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 15 ओम। अब हमें क्या कह रखा है कि ये जो रेजिस्टेंस वायर है इसकी लेंथ है 1 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो 15 ओम का जो ये हमारे पास में रेजिस्टेंस है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। तो 1 ओम की वायर की लेंथ कितनी होगी 1.5/15, तो इसको आप कैंसिल करोगे तो मेरे को बचेगा 1/10 या 1 × 10⁻¹ मीटर। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका एक करेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आ गई बात, आसान सा सवाल था, बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे हमारे को जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 आइए चेक करते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन द फोर्स ऑफ 3J⁻ N, यानी हमारे को जो फोर्स वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है 3J⁻ N, और हमारे को जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2K⁻, यानी r वेक्टर जो बच्चों हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2K⁻ m। तो जो टॉर्क होगा वो कितना आएगा r क्रॉस f, r हमारे पास कितना है 2K⁻ क्रॉस f वेक्टर कितना है 3J⁻, तो 2 × 3 = 6, और k क्रॉस जो हो जाएगा −i⁻, तो हमारे पास −6i इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका बच्चों एक करेक्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 33, आइए ये चेक करते हैं इसमें हमें क्या दिया हुआ है। ये हमें दिया हुआ है ए वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट, द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 व्हेन द मास M इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड, द एक्सप्रेशन ऑफ द यंग्स मॉडुलस। हमें ये कहा हुआ है कि अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड वायर के ऊपर एक मास लगा दे तो इसकी लेंथ टोटल हो जाती है L1, यानी पहले जो लेंथ थी वो थी L और अब इसकी लेंथ हो गई L1 जब हमने मास लगाया कितना M, यानी जो हमारे पास में टेंशन कह दें या फोर्स कह दें कुछ भी कह सकते हैं हम, वो किसके कारण है वेट के कारण, जिसके कारण जो हमारे पास चेंज इन लेंथ आ रहा है, पहले हमारे पास लेंथ थी L और अब हो गई L1, तो वो कितना आ रहा है L1 - L। तो Y किसके बराबर होता है, यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो F बच्चों हमारे पास कितना है Mg / A
डेल्टा एल मतलब एल वन माइनस एल, और नीचे हमारे को क्या दे रखा है, एल दे रखा है, वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी एल अपॉन ए एल वन माइनस एल, यानी ये दूसरा ऑप्शन जो है बच्चों ये हमारे को एक करेक्ट सॉल्यूशन की तरह मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हमारे को जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 34, हमें दे रखा है कि 40 माइक्रोफेरेड के किसी संधारित्र को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी आपूर्ति से संयोजित किया गया है, इस आपूर्ति में धारा का वर्ग माध्यमूल मान क्या होगा, आरएमएस मान क्या होगा। तो देखिए इसमें हमें जो सी का मान दे रखा है, इसमें जो हमें सी का मान दे रखा है वो दे रखा है 40 माइक्रोफेरेड, यानी 40 गुणा 10 की पावर माइनस 6 फेरेड। इसके बाद में हमारे को वोल्टेज दे रखी है, वो दे रखी है 200 वोल्ट, और आवृत्ति हमारे को कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो आइए हम इसके अंदर पहले एक्स सी का मान निकालते हैं, वो होता है 1/ωc, या इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2πfc, या इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2π, 2 × 3.14 यानी 6.28। इसके बाद F है हमारे पास में 50, और C हमारे पास में कितना है, C हमारे को दे रखा है 40 गुणा 10 की पावर माइनस 6। अब हम जानते हैं कि वर्ग माध्य मूल्यमान कितना होगा, धारा का वर्ग माध्य मूल्यमान होगा I = V/R, वोल्टेज हमारे को दे रखी है 200 बटे 1/ωc, यानी 1 × ये पूरी वैल्यू उलट जाएगी ऊपर 6.28 गुणा 50 गुणा 40 गुणा 10 की पावर माइनस 6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 एम्पियर, यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है यही हमें करेक्ट सॉल्यूशन की तरह मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 35 पर। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिंड का भार 72 न्यूटन है, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी दूरी के बराबर ऊंचाई पर इस पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए पृथ्वी के पृष्ठ पर हमारे को जो पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिंड का भार, पृथ्वी का जो पृष्ठ है उस पर किसी पिंड का भार मिल रहा है हमें 72 न्यूटन, यानी हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो बल लग रहा है पृथ्वी द्वारा वो लग रहा है GMM/ पृथ्वी की त्रिज्या R² के बराबर। अब जैसे ही हम गए इसकी त्रिज्या की R/2 ऊंचाई पर, तो टोटल यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो गई 3R/2। तो अब मान लीजिए इसके ऊपर बल लग रहा है सपोज F, यही बल हमें निकालना है, वो हो जाएगा GMM, ये तो उतना ही रहेगा m, यहां पर पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m पिंड का द्रव्यमान, लेकिन अब जो इसकी दूरी है केंद्र से वो बदल के हो जाएगी 3R/2² इन दोनों का हम भाग दे देते हैं 72/F, ये कितना हो जाएगा 9/4, बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये सब टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 9/4 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉट बेहतर F = 32 न्यूटन। तो इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 4, that is 32 न्यूटन 32 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं, आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे को क्या कहता है बच्चों, देखिए एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट, ओके एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट, और इसके आगे हमें क्या कहा गया है कि थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.227 × 10⁻²² नैनोमीटर देन द पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों इसको, आइए देखते हैं, इसको हटा देते हैं पहले हम। तो जैसा कि हमें फॉर्मूले से मालूम है कि जो वेवलेंथ होती है वो किसके बराबर होती है 1.227/√V, और ये तब होती है जब वेवलेंथ हम ले रहे हैं नैनोमीटर में, तो वेवलेंथ जो है हमारे को नैनोमीटर में ही दे रखी है, यानी हमारे को वेवलेंथ दे रखी है जो भी हमारे को दे रखी है वो है 1.227 × 10⁻²⁪ मीटर। ठीक है, अब देखिए यहां से रूट वी किसके बराबर हो जाएगा, रूट वी बराबर हो जाएगा 1.227 / वेवलेंथ लैम्डा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया
तो वी किसके बराबर हो जाएगा, 1.227। लैम्डा की वैल्यू भी रख लो, वो कितनी है 1.227 इंटू 10 to the power -2 और उस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 10 to the power -4, ऊपर जाएगा तो बचेगा 10 to the power +4 वोल्ट, यानी हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो इसका एक करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, 37 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। 37 नंबर प्रॉब्लम में हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ है अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ द स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म विद एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखिए हम जानते हैं कि जैसा कि हमें दे रखा है कि इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो बहुत छोटा है, तो हम डेल्टा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा को हम लिख सकते हैं, डेल्टा को हम लिख सकते हैं ए म्यू माइनस वन, क्योंकि यहां पर जो डेविएशन है वो हमारे पास में ए म्यू माइनस वन इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो बहुत छोटा है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास में जो इंसिडेंस हुआ है वो कैसा हुआ है, वो जैसा कि ये हमें दे रखा है इस तरीके से हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ है कि उसका जो इमरजेंस है वो नॉर्मली हो रहा है, नॉर्मली हो रहा है यानी एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा, जीरो, वो नॉर्मल के साथ साथ ही निकल जाएगा। अब हम जानते हैं फॉर प्रिज्म ए प्लस डेल्टा ये किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस। अब क्योंकि नॉर्मली वो नॉर्मल के सारे सारे वो बाहर निकल जा रहा है, तो नॉर्मल से एंगल कितना हुआ जो बाहर रह जा रही है उसका, जीरो, यानी ई कितना हो गया, जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो ये डेल्टा हमारे को मिलेगा आई माइनस ए, तो इन दोनों को जरा कंपेयर कर लें, ए म्यू माइनस वन, एक तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है और दूसरा हमने निकाला इस कंडीशन के हिसाब से आई माइनस ए, और यहां से मुझे आई की वैल्यू निकालनी है तो ये बच गया ए म्यू माइनस ए विल बी इक्वल टू आई माइनस ए, ये आपस में कैंसल हो जाएगा तो आई की वैल्यू हमारे पास बच जाएगी म्यू इंटू ए। तो ये हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। देखिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट किसका होता है, सेमी कंडक्टर्स का होता है और कुछ हद तक कुचालकों में यानी कि इंसुलेटर्स में भी होता है, सेमी कंडक्टर में तो होता ही है क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं, टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि जो हमारे पास में रेजिस्टेंस है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी जो हमारे पास कुछ कुचालकें होती हैं वो इसी प्रकार का व्यवहार दिखाती हैं, तो इसका जो हमारे पास में बच्चों आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स, ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 हमें क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में दे रखा है अंतरिक्ष के 0.2 मीटर क्यूब आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर विद्युत विभव 5 मीटर पाया गया है, इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो जैसा कि हमें दिया हुआ है कि हर स्थान पर जो विद्युत विभव है वो 5 वोल्ट यानी एक नियत मान का विद्युत विभव पाया गया है। हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, अगर V हमारा नियत हो जाए तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी जीरो, यानी इसका जो करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो थर्ड आंसर हमारे को इसका सही मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के किसी अपरावर्ती पृष्ठ पर 20 वाट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर औसत फ्लक्स के साथ प्रकाश अभिलंबवत आपतन करता है, एक मिनट की समय अवधि में इस पृष्ठ पर प्राप्त की गई ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए हमें क्या दे रखा है कि एक पृष्ठ है, इस तरीके से कह सकते हैं आप, इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों वो कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके ऊपर जो प्रकाश आपतित हो रहा है वो हो रहा है अपरावर्ती पृष्ठ है, ये मतलब वापस लौट करके नहीं जा रहा है, तो वो है हमारे पास में जिसको हम कह सकते हैं ये इंटेंसिटी है, वो है 20 वाट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कितना प्रकाश जा रहा है, 20 वाट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना प्रकाश जा रहा है, 20 वाट।
तो हमें यह निकालना है कि एक मिनट की समयावधि के अंदर प्राप्त पृष्ठ को ऊर्जा कितनी है। तो वॉट को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे भी तो कह सकता हूं, एक सेंटीमीटर स्क्वायर पर 20 जूल ऊर्जा गिर रही है प्रति सेकंड। तो हमारे पास टोटल क्षेत्रफल कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर कितनी ऊर्जा गिरेगी प्रति सेकंड, 20 जूल इंटू 20। इसका मतलब है इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कितनी ऊर्जा गिरेगी हमारे पास में 20 जूल प्रति सेकंड, एक सेंटीमीटर स्क्वायर पर गिर रही है तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितनी ऊर्जा गिरेगी, 20 इंटू 20 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड। लेकिन हमें निकालनी है प्रति मिनट में, तो एक सेकंड में कितने मिनट होते हैं 60, तो हमारे पास में कितनी ऊर्जा आ जाएगी 20 इंटू 20 और एक सेकंड में कितने मिनट होते हैं 60, ऊपर जाएगा वो कितना हो जाएगा ऐसा 60, तो कितना आ जाएगा 6 और ये 4 24, और यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 10^3 जूल। तो इतनी ऊर्जा इस पृष्ठ पर प्राप्त होगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास में है, अ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफेरेड, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफेरेड, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कितनी होगी। तो देखिए हम जानते हैं कि C किसके बराबर होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, करेक्ट। ये कितना दे रखा है हमारे को शुरुआत में, जब एयर मीडियम है 6 माइक्रोफेरेड, और जब हमने मीडियम चेंज कर दिया यानी जब वो के टाइम्स ऑफ सी हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास में बराबर आ जाएगा 30 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 30 माइक्रोफेरेड, इसको मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, ये डी ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट बाय ई, ये कितना आ जाएगा 1/5। इसका मतलब एप्सिलॉन हमारे पास कितना आ जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी 5 इंटू 8.85 इंटू 10^-12, ये आ जाएगा 40.44, ये आ जाएगा हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 44 × 10^-12, या इसको मैं लिख सकता हूँ 0.44 × 10^-10। तो ये हमारा मैच करेगा फर्स्ट ऑप्शन से हमारा ये मैच कर जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के रूप में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज -20 जूल, दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली इक्वल टू। तो बेसिकली ये वाला जो हमें क्वेश्चन है, ये सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि हमें जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होते हैं, 1.6 × 10^-19 जूल। तो एक जूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, 1/1.6 × 10^-19, करेक्ट। तो हमें निकालना है इतने जूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, तो 20 जूल में 10^-20 वोल्ट में कितने होंगे, तो 10^-20 डिवाइड बाय 1.6 × 10^-19, ओके। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/16, तो ये आ जाएगा 0.06 नियरली इतना आ जाएगा। तो फर्स्ट इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर। तो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस हमारे पास में क्या होगी, हम जानते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, सिग्मा से हम इसको शो कर देते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के लिए m1 l1 t-2, और एरिया के लिए मैं लिख सकता हूँ l2। तो मेरे पास इससे एक कैंसिल हो जाएगी, एक बच जाएगी, तो बचेगा m1 l-1 t-2।
तो एम वन एल माइनस वन डी माइनस टू ये हमारे को सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन हमारा एक करेक्ट सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो हमारे को दे रखा है वो क्या दे रखा है, समान धारिता के दो सिलेंडर ए और बी एक दूसरे से किसी स्टॉप कॉक से होते हुए जुड़े हुए हैं। ए में मानक ताप और दाब पर कोई आदर्श गैस भरी जा रही है, बी पूर्णतः निर्वातित है, समस्त निकाय ऊष्मीय रोधित है, स्टॉप कॉक को अचानक खोल दिया जाए। यहाँ पर ये वर्ड जो अचानक है वो इंपॉर्टेंट है, अचानक खोल दिया जाए तो ये क्रिया कौन सी होगी। तो बच्चों जो भी अचानक किए हुए प्रक्रम है एक साथ इतने अचानक कि वातावरण से निकाय को ऊष्मा के आदान प्रदान का मौका ही नहीं मिले, ऐसे सभी सिस्टम या निकाय जो होते हैं वो रुद्धोष्म प्रक्रम के अंडर आते हैं। तो यानी ये वाली जो हमारी जो प्रक्रिया होगी या प्रक्रम होगा वो भी कैसा होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम होगा। फोर्थ ऑप्शन इसका बच्चों क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, किसी गैस के लिए, आगे वाला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन हमारे को दे रखा है किसी गैस के लिए जिसका आणविक व्यास डी और संख्या घनत्व हो एन, माध्य मुक्त पथ को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। बच्चों इसको हम अक्सर याद ही करते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये जनरली हमारे को याद होता है, और वो फॉर्मूला जो होता है हमारे पास माध्य मुक्त पथ का, यानी जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, 1/√n π d² तो इसको आपको भी बिल्कुल याद रखना है, हमेशा टिप्स पर रखना है, और इससे हम आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये थे फिजिक्स के अंदर दंगल 10 के सॉल्यूशन। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय सीएलसी। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर डी राज राव, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। तो देखिए इसमें इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन है जो मैं सोल्व करूँगा, बाकी जो ऑर्गेनिक और फिजिकल के है वो नदीम सर ने सोल्व करवा दिए हैं। तो अब अपन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज ओ लिंकेज, तो ओ लिंकेज पूछ रहे अपने को, तो H2S2O7 जो परऑक्साइड अब जो परोक्सो ये जो है ना परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है, तो इसी में अपने पास क्या होता है, परोक्साइड लिंकेज होता है। और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में इसमें हमारे पास देखो इसमें तो ओ लिंकेज होता है और इसमें होता है ओ SOS लिंकेज, SOS लिंकेज होता है। और H2SO3 में तो एक सिंगल ही सल्फर है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कुछ भी। और H2SO4 जैसे भी सिंपल स्ट्रक्चर आप जानते हो, ये OH, ये OH, H2SO4 हो गया आपका। फिर H2SO3 की स्ट्रक्चर देखना चाहो तो आप इस तरह से देख सकते हो। तो H2SO3 हो गया, और H2S2O7 जो है ओलियम, ओलियम का स्ट्रक्चर आप देखो तो SOS, तो ये H2S2O7 का स्ट्रक्चर आ गया आपके पास। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास SO लिंकेज, इसमें परोक्साइड लिंकेज, इसमें हमारे पास है परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपने ले लिए, जैसे मान लो आपने ये मॉलिक्यूल आपके पास है, अब इसमें से अपन ये दो हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दें, इसमें से ये दो हाइड्रोजन रिमूव कर दें और यहां से अपन इस तरह से अटैच कर दें, तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नदीम, टीम केमिस्ट्री। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दंगल 10, जिसमें मैं आपको ऑर्गेनिक और फिजिकल डिस्कस करूंगा, इनऑर्गेनिक दूसरे वाले सर करेंगे। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन है यहां से, एन इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन लीड्स टू द चेंज इन, जब कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो जो मान लीजिए आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर दे रहे हो तो उनके कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एन इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ अ रिएक्शन लीड्स टू द चेंज इन
कोलिजन फ्रीक्वेंसी। भाई डेल्टा एस तो कांस्टेंट रहता है, एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट रहती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कांस्टेंट रहती है, सबकी ग्राफ से आप देख सकते हैं, बट नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड उनका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए हैं, बढ़ गए। तो सेकेंड आंसर इसका हो जाएगा 48। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। बच्चों ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। अननीली, देखो यूएन अननील और अननियम, तो ये आपके पास हो गया 1 0। अब यू का मतलब ये हो गया और ये 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, और 1 0 1 जो है वो मेंडेलियम को इंडिकेट कर रहा है, तो ए के साथ में ये आपका करेक्ट मैचिंग आ रहा है, ठीक है ना, ये इसके साथ मैचिंग करेक्ट आ रहा है। फिर आता है अननील ट्राइयम, तो ये आ गया 1 0 3, तो ये लोरेंशियम आ गया, तो ये भी आपका सही आ रहा है। फिर आ रहा है अननील हेक्सियम 1 0 6, तो ये आपका आ गया सिबोर्जियम, सिबोर्जियम, तो ये भी आपका करेक्ट आ रहा है। फिर आ रहा है अननियम 1 1 1 1, मतलब 111 नंबर, और ये आ रहा है डर्मोस्टेडियम, तो ये गलत हो गया, क्योंकि 1 1 1 जो है ना हमारे पास, ये बता रहा है आरजी को, ये किसको बताएगा, आरजी रोंटेंजिनियम को बताएगा, ये डर्मोस्टेडियम को नहीं बताएगा, तो ये आपका जो है सेकंड जो है इनकरेक्ट है। ओके बच्चों, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारे पास सिंबल होते हैं, जैसे जेड ग्रेटर देन 100 होते हैं ना, तो आईपीसी के अकॉर्डिंग इनमें पर्टिकुलर रिकमेंडेशन जो है इनके सिंबल्स और जो डिजिट के अकॉर्डिंग अपन देते हैं, और फिर ये इनके स्पेसिफिक साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग थे, मेंडेलियम, लॉरेंशियम, सिबोर्जियम, डर्मोस्टेडियम, ठीक है, ये लेटेस्ट जो है डिस्कवर्ड एलिमेंट्स है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। अ मिक्सचर ऑफ N2 एंड AR गैसेस इन अ सिलेंडर कंटेन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इन द सिलेंडर इज 27 बार द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। तो पार्शियल डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू P टोटल। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होगा, मोल ऑफ N2 डिवाइड बाय N टोटल इनटू PT, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ N2 ग्राम दिया हुआ है इसका 7 ग्राम, इसका मोलर मास हो जाएगा 7/28 प्लस आर्गन का भी कितना है 8 ग्राम है, इसका मोलर मास है 40, 8/40 इनटू टोटल प्रेशर कितना दिया है 27। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसका, जैसे देखो ये 1/4, नीचे भी 1/4 आ गया, 1/5 आ गया, इनटू आ गया 27, थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसका, ठीक है, इजी सा बिल्कुल क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये ऑर्गेनिक का आ गया, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोल। बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन हमारा ये हो गया, और इन द प्रेजेंस ऑफ डायलूट NaOH, तो क्रॉ कौन सा होगा, डायलूट NaOH, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन है, इसका क्या करेगा, ये माइनस इसका एक H उड़ा के यहां पे क्या बनाएगा, नेगेटिव CH2 नेगेटिव बना देगा, और ये यहां पर इसका रिएक्शन हो जाएगा। तो ये किस टाइप का रिएक्शन दिख रहा है आपको, क्रॉस कैनिजारो, टू डिफरेंट कार्बोनिल हमने लिया है, टू डिफरेंट कार्बोनिल लिया है, तो टू डिफरेंट कार्बोनिल अगर है हमारे पास, जिसमें कम से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तो आप बोल सकते हो उसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, क्रॉस एल्डोल टाइप का हो गया, तो एल्डोल में तो यही होता है, डायलूट NaOH डालते भी, ये न्यूक्लियोफाइल बनाया और इसका अटैक करा दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये किसका एग्जांपल हो गया हमारा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो निकाल लेते हैं इसमें देखो, पहला है 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 मोल हो गया, मल्टीप्लाइड बाय Na, मल्टीप्लाइड बाय इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 2, तो ये कितना आ जाएगा, मैक्सिमम पूछा है ना, Na बाय 16, ये आ गया फर्स्ट का। सेकंड का 1 बाय लिथियम का है 7 into Na, कितना आ जाएगा दोस्तों, Na बाय 7, Na बाय 7। थर्ड क्या आ जाएगा, 1 बाई 108 into Na, और लास्ट में आ जाएगा 1 बाई 24 into Na। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये क्वांटिटी होगी, तो ये वाला जो हमारा है पार्ट, ये वाला, ये आंसर हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो कितना आसान कैलकुलेशन है ये सब ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी सॉल क्या होता है, एनी सॉल इज OCH3। अब इस पर आपने HI का रिएक्शन करा दिया, तो अब आप देखो ये तो इधर रेजोनेंस में, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहां से तो ब्रेक नहीं होने वाला है, ये जब भी ब्रेक होगा तो यहां से ब्रेक होगा, तो आप ऐसे ईज के लिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, आई यहां पे लगाओ एच यहां पे लगा दो, तो OH प्लस ये हो जाएगा CH3I, फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड, अब ये कहां पे है, ये आ गया फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव कार्बिल अमीन टेस्ट, तो कार्बिल अमीन रिएक्शन जो होता है, कार्बिल अमीन टेस्ट गिवन बाई 1 डिग्री अमीन, और इसमें क्या डालते हैं, CHCl3KOH, तो क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड, फॉल्ट स्मेल, तो 1 डिग्री अमीन होना चाहिए, 1 डिग्री अमीन। अब देखो इसमें ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा आंसर, यस। 54 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इन क्वेश्चनों में क्या होता है, कई बार हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं ना, करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है अपने को कि इनकरेक्ट और करेक्ट वे। तो यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन द स्मॉल एटम्स लाइक HCN एंड ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मेटल। तो ये सही स्टेटमेंट है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, स्मॉलर एटम जो होते हैं वो वॉइड में फिट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 नेगेटिव CR2 नॉट द सेम, ये तो गलत हो गया, दोनों में सेम है बच्चों, यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है, और इसमें भी हमारे पास +6 है, दोनों की सेम आ रही है, तो यही हमारा आंसर हो गया, यही पूछ रहा है कि इनकरेक्ट। फिर अपन आगे और पढ़ देख सकते हैं, Cr+2D4 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि क्रोमियम जो है ना +2 जो है वो कन्वर्ट होगा +3 में, ये D4 है, D4 से ये D3 में कन्वर्ट होगा, तो इसमें T2G स्टेबिलिटी मिल जाएगी, हाफ फील्ड T2G स्टेबिलिटी के कारण ये ज़्यादा स्टेबल होता है, T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड T2G स्टेबिलिटी, इस वजह से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और Fe+2 इन वाटर, तो इसमें D6 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ये D6 है, लेकिन इसमें आपके पास ये स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। फिर ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर द कैटेलिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट द मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, सही है, क्योंकि इनमें कैटेलिटिक एक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि इनकी सरफेस जो होती है ना वो फ्री होती है, उस पर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण वो कॉम्प्लेक्स बना लेती है और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट कर देती है, तो ये हमारा ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों,
ओके, ये याद रखना पड़ेगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड, तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा, लाइसिन। लाइसिन में जैसे मान लो यहाँ पे एच है, आर की जगह 1, 2, 3, 4 ये होता है, एक्स्ट्रा ये होता है, बाकी तो आपको पता है COOH NH2, तो ये बेसिक पार्ट एक्स्ट्रा पड़ गया ना लाइसिन में, तो इसलिए ये कौन सा हो गया, बेसिक अमीनो एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर वेरी फेमस, cis-1,4-polyisoprene को क्या बोलते हैं, cis-1,4-polyisoprene को क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर। तो बिल्कुल एनसीईआरटी से है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो 57 नंबर, मैच द फॉलोइंग इन नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, आप देखिए इसमें आपको मैच करना है कॉलम के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले CO+H2 आ रहा है हमारे पास, तो ये CO+H2 को अपन क्या बोलते हैं, सिंथेसिस गैस बोलते हैं। तो ए में हमारा थर्ड जाएगा, ए में थर्ड, देखो ए में यहाँ पर ये सेकंड कैंसिल हो गया, हमारा थर्ड आ रहा है, तो ये तीन आंसर हो गए। टेम्परेरी हार्डनेस होती जो, इसको अपन सिंथेसिस गैस बोल देंगे। सिंथेसिस गैस क्यों बोलेंगे, क्योंकि मैनी हाइड्रोकार्बन्स आर सिंथेसाइज बाय CO+H2 मिक्सचर, जैसे मिथेन भी अपन इसी से बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेम्परेरी हार्डनेस होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के कारण, ये हमारे पास बाइकार्बोनेट के कारण है। तो बी में हमारा फर्स्ट आ जाएगा बच्चों, बी में फर्स्ट, देखो बी में फर्स्ट आ रहा है, ये फोर्थ आ रहा है, तो ये गलत हो गया, और इधर बी में आ रहा है सेकंड, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो बी में हमारे पास क्या आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, तो इसका मतलब थर्ड आंसर जाएगा हमारा। अब सी में और में चलो, B2S6 डाइबोरेन होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होता है, ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर आपने ये अभी भी क्या रहता है, जैसे BS3 का डाइमर है ये, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है इसमें, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। इसके बाद H2O2 देखें अपन, तो H2O2 जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे HOOH, तो यहाँ पर sp3 और इसमें भी sp3, दोनों हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, लोन पेयर आपके पास है ही, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो डी में फोर्थ, देखो नॉन प्लेनर, तो थर्ड हमारा करेक्टली मैच हो रहा है, तो बिल्कुल आप देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये देखो एन एल्कीन और रोनोसिलिसिस गिव मिथेनल, मतलब HC double bond OH एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो एल्डिहाइड तो हमेशा क्या होते हैं, किनारे होते हैं, यस। अब आप जानते हो डबल बॉन्ड का, जब हम डबल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस करते हैं, अब देखो यहां पे लिखा नहीं है कि कौन सा ओजोनोलिसिस करना है, रिडक्टिव करना है, ऑक्सीडेटिव करना है, जब कुछ नहीं लिखा है तो रिडक्टिव ही करना है, ठीक है, और बाकी नहीं तो फिर ऑप्शन उस तरह से सेट होगा कि आपको समझा देगा कि रिडक्टिव करना है कि ऑक्सीडेटिव करना है। तो जब आप ओजोनोलिसिस करते हो रिडक्टिव, O3 जिंक वाटर, या इसमें क्या डालते हैं, O3 ME2S, तो आप जानते हो यहां पे क्या लगा देते हैं, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो ऐसा डबल बॉन्ड हमें चाहिए, सी डबल बॉन्ड सी, जो टर्मिनल पे हो, तभी एल्डिहाइड आपको मिलेगा। तो अब टर्मिनल पे कहां पे है, ये वाला है, यही आपको एल्डिहाइड देगा। अब देखो यहां पे करोगे मतलब फॉर्मल डिहाइड देगा, फॉर्मल डिहाइड का मतलब क्या है, एक कार्बन का, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड हमें तभी मिलेगा जब वो क्या हो, टर्मिनल पे हो। अब इसका करोगे तो यहां डबल बॉन्ड हो आएगा यहां पे, लेकिन एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, यहां से करोगे तो फॉर्मल डिहाइड नहीं मिलेगा, यहां से करोगे तो फॉर्मल डिहाइड, तो यही एक ऐसा है, फॉर्मल डिहाइड हमें लेने के लिए टर्मिनल पर सी डबल बॉन्ड सी का होना जरूरी है, तो टर्मिनल पर यहीं पे। ये देखिए द रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, रेट कॉन्स्टेंट दिया है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, तो k इक्वल टू फॉर फर्स्ट ऑर्डर 2.303 डिवाइड बाय t log a0 बाय at, यस, इनिशियल
और फाइनल। तो K कितना दिया है 4.606 इंटू 10^-3, ये हो गया 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग। पहले कितना था 2 से 0.2 हो गया, 2 से हो गया 0.2, तो ये 10 टाइम कट जाएगा। और लॉग 10 क्या होता है 1, लॉग 10 क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा भाई t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 4.606 इंटू 10^-3। अब आपको ये 500 के आसपास आना चाहिए, 500 के आसपास आना चाहिए। यस, कैलकुलेशन से पता लग रहा है 4, 5 जा 20 आसपास आ रहा है ना, तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते। नेक्स्ट, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डायलूट है, देखो ये डायलूट लिखा हुआ है, जब डायलूट H2SO4 है तो क्या क्या हमारे पास आयंस होंगे, H प्लस होगा, सल्फेट -2 होगा, OH माइनस होगा, ऐसे लिख सकते हैं एक बार। अब कह रहा है कि यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मतलब नॉन रिएक्टिंग द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड पर क्या होना है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, बट इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सल्फेट से ज्यादा होता है, तो OH- का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये आएगा किस पर, ये काम चल रहा है एट एनोड, एनोड पर, तो आंसर कौन सा चला जाएगा हमारा 4th। उसके बाद है एन एलिमेंट हैज BCC, फॉर BCC BCC में कहां कहां पे एटम होते हैं, कॉर्नर और बॉडी सेंटर, और कॉर्नर डिस्टेंस क्लोजेस्ट क्या होता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस वो क्या होता है √3a/2 कॉर्नर टू बॉडी सेंटर, और कॉर्नर टू बॉडी सेंटर को अपन क्या लिख सकते हैं 2r = √3a/2 √3a/2। अब करना क्या, वैसे एज लेंथ दिया है, रेडियस पूछा है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा √3a/4। अब ये है कि भाई स्ट्रक्चर एज लेंथ दिया हुआ है, तो ये हो गया 288 × 3/4। यस, ये पिकोमीटर में है, तो आपका एज लेंथ इसमें कितने आएगा, पिकोमीटर में ही आएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें देखिए उसी फॉर्म में ही आंसर है, √3a/4 एज लेंथ तो दिया ही हुआ है, ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, इजी सही है, रूट कुछ तो यहां पे हमने यस, ये अरे यार ये ना यहां गलत, जैसे देखो यहां से ये हमारा ये डिस्टेंस हमें निकालनी है कॉर्नर से, ये यस ये हो गया और ये हो गया, ये ए √2a है और ये a, ठीक है, तो क्या हो जाएगा √2a² + a² + cos 90 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2a² + a² ये यहाँ पे a बाहर है, ये बाहर आएगा ना, इसको फिर से एक बार मैं लिख देता हूं, तो कुल मिला क्या आ गया क्लोजेस्ट डिस्टेंस इन बीसीसी कहां से आएगा कॉर्नर टू बॉडी सेंटर, ये कितना आ गया √3a/4
रूट थ्री ए बाई टू, रूट थ्री ए बाई टू, दैट इज इक्वल टू टू आर, दैट इज इक्वल टू टू आर। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट थ्री ए बाई फोर। तो रूट थ्री ए की वैल्यू कितनी है, 288 बाई फोर, ये आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा। कैलकुलेशन करना ही नहीं है ना, ये तो उसी फॉर्म में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या देता, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, याद रखिए इसको। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बोक्स, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बाउंड टू CO इज लेस स्टेबल देन, ये तो गलत हो गया, यही आंसर सही है, नॉट करेक्ट पूछा है ना। आप जानते हो कि हीमोग्लोबिन के लिए, CO के लिए उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से 200 टाइम ज्यादा होती है, 200 टाइम्स, और ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसीलिए तो कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह से पॉइजनस गैस है हमारे लिए ना। तो लेस स्टेबल नहीं, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। एनसीईआरटी में ये लिखा भी है, एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपको ये मिल जाएगा ना। तो ये फर्स्ट आंसर ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम डाउट। तो आप जानते हो एसीटोन क्लोरोफॉर्म फेमस है नेगेटिव डेविएशन के लिए, क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन आइडियल टेंडिंग टू आइडियल सॉल्यूशन, एथेनॉल यही बनाएगा पॉजिटिव, ये क्योंकि इथेनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेनॉल इथेनॉल में था, जैसे ही इथेनॉल एसीटोन मिलाओगे पहले से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक्सटेंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो, अब बीच में एसीटोन भी आ रहा है, पहले इथेनॉल इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, अब एसीटोन डाल दोगे तो इथेनॉल इथेनॉल का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो ज्यादा मजबूत होगा इथेनॉल एसीटोन से, तो पहले से हमारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, तो वेपराइज ज्यादा होगा, जब वेपराइज ज्यादा होगा तो आइडियल से हमें ज्यादा प्रेशर मिलेगा, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। तो आंसर कौन सा चला जाएगा हमारा, थर्ड, बेंजीन टॉलुइन क्या बनाएंगे, आइडियल सोल्यूशन। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स फॉलोइंग सीक्वेंस। अब इसमें देखो यहां पर कोई मोल कितने मोल कराने हैं ये नहीं दिया, लेकिन ये हिंट दिया हुआ, ये हिंट है हमारा। अब देखो यहां पर, अब जैसे मैं डायरेक्ट आ रहा हूं यहां पर, टू इक्विवेलेंट ले लेता हूं मैं, अगर मैं इसका टू इक्विवेलेंट ले लेता हूं, टू इक्विवेलेंट ऑफ सीएल टू, वहां नहीं दिया है लेकिन हिंट यहां पे टू इक्विवेलेंट से ही आएगा, तो ये क्या बनाएगा, सी एच सी एल टू। अब इसको हाइड्रोलाइज करो, हाइड्रोलाइज जब करोगे एच टू ओ हीट के साथ, तो एक कार्बन पे क्या आ जाएगा, सी एच ओ एच ओ एच, और ये क्या होता है, अनस्टेबल। तुरंत इसमें से क्या होगा, माइनस ऑफ एच टू ओ निकलेगा और ये क्या बना देगा, बेंजल डिहाइड। तो सीक्वेंस एक्स आपको बताना है, एक्स बताना है, तो एक्स हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। जबकि यहां लिखा नहीं है वन इक्विवेलेंट करना है टू, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बनेगा जब तक आप टू इक्विवेलेंट नहीं कराओगे तब तक नहीं बनेगा, थ्री करा दोगे तो एसिड बन जाएगा, वन कराओगे तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, इसलिए आपको टू इक्विवेलेंट मतलब ये बनाना पड़ेगा आपको एक्स, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट के एफ दिया हुआ है, अच्छा ये दे दिया आपको, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सोल्यूशन, अच्छा ओके, तो डेल्टा टी एफ, तो आप जानते हो डेल्टा टी एफ क्या होता है, के एफ इंटू एम, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड ही हो गया है। तो के एफ कितना है हमारे पास, 5.12 इंटू, मोलैलिटी भी दिया ही हुआ है 0.078। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा कि नहीं, राउंड ऑफ कर लीजिएगा, इसके आसपास आना चाहिए, इसके आसपास, यस ना।
8 के आसपास है, 8 5 40 आसपास है, देखो कह रहा है ना राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कैलकुलेशन का कि इसी के पास आंसर ये वाला हमारा हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटायनिक डिटर्जेंट, तो ये आपको पता है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में, सेटिल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड क्या होता है, कैटायनिक डिटर्जेंट होता है, सोडियम डोडेसाइल, सोडियम लॉरेल, ये सब क्या होते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट होते हैं, सोडियम स्टेरेट क्या होता है, सोप होता है हमारा, यस। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, ये याद रखिएगा, आपको एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर है 11th की एनसीईआरटी में, उसमें देखोगे लास्ट में जीओसी वाले में इस तरह का दिया हुआ है कि थिन लेयर कॉलम एड्सॉर्प्शन पार्टीशन, तो आप देखोगे उसमें डायरेक्ट एग्जाम लिखा हुआ है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, यस, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हाँ देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वॉन अर्कल मेथड, ये रॉन्ग हो गया, ये मोंड प्रोसेस से होता है, मोंड प्रोसेस, मेटलर्जी पढ़ा हो आपने याद है तो, वॉन अर्कल मेथड नहीं होता ये, निकल के लिए कौन सा होता है फेमस है, जर्कोनियम के लिए होता है वॉन अर्कल, ये मोंड्स निकल के लिए होता है स्पेसिफिक, तो पहला आपका जो है इनकरेक्ट हो गया ये। फिर आता है पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू ए वैरायटी ऑफ शेप्स, ये भी सही है, पिग आयरन को अपन कास्ट आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर अपन रोट आयरन में कन्वर्ट करते हैं उसको। फिर आता है रोट आयरन द इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन, ये करेक्ट है बच्चों, रोट आयरन में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है 4%, रोट आयरन में 4% कार्बन। अच्छा ये बोला आपने को पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है, तो ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ CO2, ये गलत हो गया क्योंकि ये तो SO2 के कारण होता है ब्लिस्टर कॉपर में, तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है देखो पहला रोंग हो गया, दूसरा हमारा रोंग हो गया, फोर्थ भी रोंग हो गया है, पहला रोंग है और फोर्थ भी रोंग हमारे पास आ रहा है, और पिग आयरन को अपन मोल्ड कर सकते हैं कई वेराइटी, तो ये हमारा सेकंड जो है करेक्ट आंसर है, सेकंड आंसर इज करेक्ट, देख लो इसमें रोट आयरन में 4% नहीं होता, इसमें होता है 0.25%, मतलब सबसे कम मतलब अपन ये कहेंगे कार्बन होता है, ये प्योर फॉर्म होता है, जैसे एक तो हो गया पिग आयरन, एक कास्ट आयरन है, एक रोट आयरन है, तो ये क्या होता है प्योरेस्ट फॉर्म होता है आयरन का, तो यहाँ पर ये 4% लिख दिया तो ये रोंग हो गया, ठीक है बच्चों, ये भी हमारा रोंग है और तो सेकंड करेक्ट है, देख लीजिए मेटलर्जी का क्वेश्चन है, वेपर फेज आपकी निकल के लिए हो जाएगी और पिग आयरन जो है वो कई फॉर्म में अपन इसको मोल्ड कर सकते हैं, पिग आयरन कन्वर्ट कर सकते हैं कास्ट आयरन, रोट आयरन, और ब्लिस्टर कॉपर जो होता है ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ SO2 नॉट CO2। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग, तो ये तो इजी सा ही है, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x निकाल के देख लीजिए, यहाँ पे आएगा -4 और इस पर निकाल के देख लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा +4, तो जो चेंज हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है -4 से +4 तक, अब ऐसा आंसर कहाँ पे है, फर्स्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा क्वेश्चन नंबर 71, इसमें आप देख रहे हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentane, 2-bromopentane 1, 2, 3, 4, 5, 2-bromopentane का एलिमिनेशन करके 2-pentene बनाना है, 2-pentene आपने बना दिया, तो इसमें से क्या निकाला होगा, माइनस ऑफ HBr हुआ होगा, तो क्या होगा डी हाइड्रोहैलोजिनेशन हो गया, तो एक तो जा रहा है डी हाइड्रोहैलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन है ही, इसके बीटा पोजीशन से आपने हाइड्रोजन को निकाला है तो बीटा एलिमिनेशन हो गया, ये भी सही है,
फॉलो जैसेव रूल। अब आप देखो बीटा यहां पर भी है, बीटा यहां पर भी है, ठीक है, बट इधर से निकाला, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाना है हमने। इसने बोला है टू पेंटीन बनाया है, तो टू पेंटीन और इधर भी बन सकता था, वो क्या है वन पेंटीन। टू पेंटीन क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जब बनता है एज अ मेजर प्रोडक्ट तो उसको क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू जैत्सेव रूल। और दूसरा लेस सब्स्टिट्यूटेड जब बनता है तो उसको बोलते हैं हॉफमैन, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बी सी, ये वाला होना है ए बी सी। डिहाइड्रेशन तो हो ही नहीं सकता, वाटर तो निकला नहीं है इसमें से, तो डिहाइड्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिवन बाय दिस, केसी इसका दिया हुआ है ना, डेल्टा जी पूछ रहा है, तो आप जानते हो डेल्टा जी इक्वल टू, डेल्टा जी ऐसे भी लगा सकते हैं डेल्टा जी नॉट को, माइनस 2.303 एन आर टी, माइनस 2.3 आर टी आएगा ना, आर टी लॉग ऑफ केसी। अच्छा देखो ये ln के फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर इस log को ln बदलेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस आर टी ln kc, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू माइनस r की वैल्यू देखो जूल में दिया हुआ है 8.314 जूल में है, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है, 300 केल्विन हो गया, और आ जाएगा ln kc, kc कितना है 2 × 10⁻³, 2 × 10⁻³, ये हो गया हमारा। तो ऐसा कुछ आंसर अगर मैच कर रहा हो, ये आ जाएगा हमारा, ये वाला आंसर बिल्कुल। कोई कैलकुलेशन भी बहुत सारे में जहां पे देखोगे क्वेश्चन में कैलकुलेशन, वहां कैलकुलेशन नहीं करवाया गया, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, तो देखिए बच्चों ऑक्साइड दे रखे हैं, नेचर दे रखा है, CO न्यूट्रल का एग्जांपल हमारे पास, CO कैसा होता है न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये बेरियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होता है, और Al2O3 एम्फोटेरिक नेचर का है, ये एम्फोटेरिक होता है, और ये एसिडिक होता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो मिला लीजिए आप CO न्यूट्रल, ए का मिला लीजिए आप सेकंड, ए में सेकंड, तो देखिए ये एक ही मिल रहा है, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए एमओटी का क्वेश्चन आ रहा है, आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप इसमें बच्चों एमओटी अप्लाई करो, एमओटी को अकॉर्डिंग अपने को देखना है। देखिए एक होता है बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, अपन ये कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर जिनका जीरो आ जाता है वो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप यहां से लिखते हो सिग्मा वन एस लिखते हो, सिग्मा वन एस स्टार सिग्मा वन एस लिख देते हो, जैसे सिग्मा वन एस एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा टू एस, फिर सिग्मा टू एस एंटी बॉन्डिंग, फिर हमारे पास दो रूल रहते हैं, एक तो है लेस और इक्वल 14 और एक है ग्रेटर 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखो हीलियम आपको दिख रहा है सीधा डायरेक्ट, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों 4, हाइड्रोजन हीलियम, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 हो गए, तो दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे ना, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों का डिफरेंस करोगे, ठीक है, और दो का डिवाइड करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 0, तो ये स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं होगी, थर्ड आंसर हो जाएगा। ऐसे आप सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, O2 का निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2 आएगा, लिथियम का यहाँ 1 आएगा, ठीक है, C2 का कितना आएगा 2 आएगा, तो सबका बॉन्ड ऑर्डर, और C2 में तो आपको पता है पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें तो ये पाई बॉन्ड का एग्जांपल है, इसमें दो बॉन्ड ऑर्डर होता है, दोनों ही पाई होते हैं एमओटी के अकॉर्डिंग, C2 का क्वेश्चन भी पहले नीट में पूछा जा चुका है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड इज करेक्ट। द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम, देखो Ca2 पॉजिटिव ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हो, क्लोरीन से भी कर सकते हो, टू इलेक्ट्रॉन जब बैलेंस करोगे
तो कैल्शियम देगा, वैसे भी कैल्शियम का मास दिया हुआ है, वैसे इसका होता है 40। तो जैसा आपको दिख रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1 फैराडे। तो अगर 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट कराना है तो 2 फैराडे आपको पास करना पड़ेगा, कितना 2 फैराडे, जबकि आपने डिपॉजिट कितना कराया ओनली 20 ग्राम, तो कितना फैराडे हो जाएगा 2/40 × 20, तो क्या हो जाएगा 1 फैराडे। 1 फैराडे आपको पास कराना पड़ेगा फॉर द डिपोजिशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम मॉल्टन कैल्शियम क्लोराइड से। 1 फैराडे आंसर। 76 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन, यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी। देखो यूरिया जो है ना वो वाटर से रिएक्शन कर रही है और वो ए बना रही है, विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी, जो डिकम्पोज होके बी बना रहा है, बी वेन पास थ्रू Cu+2 डीप ब्लू कलर सोल्यूशन तो C इज फॉर्म्ड। तो C पूछ रहा है अपने को, इसका मतलब जब यूरिया डिकम्पोज होती है ना तो अमोनिया देती है और अमोनिया बिहेव एज ए लिगेंड, ये होता है आपका लिगेंड, अमोनिया लिगेंड हो गया आपके पास। और कॉपर प्लस टू का ये है आपका एक्वस, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बच्चों Cu(NH3)4+2, ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका, तो ये आपका फोर्थ आंसर इज करेक्ट। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, एसीटोन तो ये हो गया और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ये हो गया, ये क्या देगा यहां से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो इधर आया ये इधर चला गया, तो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पहले इसका देखते हैं क्या बनता है, CH3O- CH3CH3। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो H आ जाएगा बस यहां पे, थ्री डिग्री एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल बन गया, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप जानते हो फॉर न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देख लो एटॉमिक नंबर 71 है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम सिर्फ थर्ड में, बाकी माइनस करके निकाल लेना यार, न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन अ गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। फॉर वुड्स रिएक्शन गिव्स सिमेट्रिकल एल्केन इन गुड यील्ड। सिमेट्रिकल एल्केन जो होंगे वही गुड यील्ड में आते हैं, मतलब अनसिमेट्रिकल जो होगा तो आंसर कौन सा चला जाएगा, हेप्टेन। 7 कार्बन है तो अनसिमेट्रिकल ही एल्केन हुआ, ब्यूटेन सिमेट्रिकल, हेक्सेन सिमेट्रिकल, 2,3-dimethyl butane ये भी सिमेट्रिकल है, ब्यूटेन सिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल एल्केन गुड यील्ड के साथ बाय वुड्स रिएक्शन हमें मिलते नहीं है। ओके तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, HCl वाज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 MgCl2 NaCl, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड क्रिस्टलाइज, कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइज होगा। देखो बच्चों KSP और KI का कॉन्सेप्ट होता है,
एक होता है KI और KSP. जब when the KI is greater than KSP, तब आपको क्या बोलोगे? PPT. PPT gives PPT. जब KI ज्यादा होगा KSP तो PPT आ जाएगा, यानी क्रिस्टलाइज हो जाएगा आपके पास. अब आपके पास देखिए HCl फ्लो कर रहे हो आप, तो आप ये देखो कि NaCl जब आयनाइज होगा, NaCl जब आयनाइज होगा आपके पास, और अब आपके पास यहां क्लोराइड जो है ना आपको कमी चाहिए भी. जैसे यहां HCl का आप 1 मोल ले रहे हो और यहां MgCl2 को आपको आयनाइज करना है, ठीक है. ये MgCl2 भी आयनाइज हो रहा है, CaCl2 भी आयनाइज हो रहा है, लेकिन आप ये देखो कि यहां पर अपने को 1 मोल ही रिक्वायर्ड होगा. इसका मतलब ये है कि NaCl जो है उसका क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले होगा. और दूसरी बात आप ये भी देख सकते हो कि ये सोलिबिलिटी KSP और KI के बेस पर होता है, तो KSP आपको याद होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है. ये नीट में क्वेश्चन आ भी चुका है, NCERT का भी है ये. तो आंसर हमारा हो जाएगा 4th. जीटा पोटेंशियल, देखो जीटा पोटेंशियल आपने जैसे NCERT में हमारे इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल सरफेस केमिस्ट्री में लिखा हुआ है. तो आप जानते हो कि जैसे कोई सॉल है पॉजिटिवली चार्ज सॉल, इसके ऊपर लेयर पहले किसकी बनेगी? फर्स्ट लेयर जो लेयर बनती है वो नेगेटिवली चार्ज की बनती है, उसके ऊपर फिर किसकी बनती है? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है. और इन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनने से एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं? जीटा पोटेंशियल. अब जीटा पोटेंशियल क्या करता है? जीटा पोटेंशियल हम अगर मेजर कर लें तो उससे हम बता सकते हैं, पोटेंशियल मेजर करके हम नहीं बता सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, ये तो पढ़ते ही हैं. तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, स्टेबिलिटी हम बता सकते हैं बाय जीटा पोटेंशियल. कैलकुलेट तो हमें नहीं करना है कि कैसे, बट वन ऑफ द इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंस है. ओके, ओके. फाइंड आउट द सॉलिबिलिटी ऑफ एनाइन इन दिस, और KSP इसका दिया हुआ है. तो NiH2AOH2 इसको जब ब्रेक करोगे तो Ni2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव. अब इधर NaOH भी, इसकी सॉलिबिलिटी अगर S है तो ये कितना होगा? 2S. और NaOH स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो अगर ये 0.1 है तो ये भी कितना होगा? 0.1. तो यहां से यहां क्या लग जाएगा? कॉमन आयन लग गया. अगर मैं इसका KSP लिखूं, KSP ऑफ NiOH ट्वाइस, तो क्या आएगा? S इंटू कॉमन आयन, देखो अब 2S प्लस 0.1 का स्क्वायर. अब मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या कर रहा हूं? नेग्लेक्ट. तो S इक्वल टू कितना आ गया? KSP दिया हुआ है 2 × 10⁻¹⁵, और ये देखो स्क्वायर हो जाएगा 10⁻², तो 2 × 10⁻¹³. और S क्या है? सॉलिबिलिटी ही तो है. S क्या है? सॉलिबिलिटी ही है. तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 × 10⁻³. ओके, फॉर द रिएक्शन, देखो आपने इधर से इधर बॉन्ड क्या है बन रहे हैं ना, इधर से इधर क्या हो रहा है? स्टेबल. तो प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मी, मतलब डेल्टा एच क्या होना चाहिए? नेगेटिव. देखो यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव. यस, अब डेल्टा एच 2 मोल से क्या हो रहा है? नंबर ऑफ गैसियस मोल क्या हो रहा है? घट रहा है. और जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस पार्टिकल घटते हैं तो एंट्रोपी क्या होती है? घटती है. तो दोनों डिक्रीज करना चाहिए, दोनों डिक्रीज करना चाहिए. अब दोनों डिक्रीज के तो दो आंसर हैं, ये भी है, दोनों डिक्रीज के दो आंसर हो गए, है ना. तो चलो कोई बात नहीं है, इसमें से वो आपके पास सही करा दिया जाएगा, ठीक है. तो कुल मिला के दोनों ही डिक्रीज करेगा, डेल्टा एच भी डिक्रीज करेगा और डेल्टा एस भी डिक्रीज करेगा. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन.
स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू रूट ऑफ एन एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन। तो एन यहां क्या है, एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब किसने पूछा है, क्रोमियम प्लस टू में, तो क्रोमियम का वैसे 24 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5 होता है। प्लस टू अगर करना है तो एक यहां से निकालोगे, तो यहां से यहां तक तो कॉमन रहेगा, ये हो जाएगा 4s0 3d4। यस, तो d4 आ गया, 1 2 3 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 4। तो अब आप इसमें रख सकते हो, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू रूट ऑफ 4 और 6 हो गया बोहर मैग्नेटॉन, ये रूट ऑफ 24 हो गया बोहर मैग्नेटॉन। तो 4 और 5 के बीच में आएगा इसका आंसर, रूट आएगा ठीक है 4 और 5 के बीच, बट क्लोज टू 5, ये आ जाएगा आंसर, ये आंसर आ जाएगा आपका 84 का। यस यस, नेक्स्ट ये आपका, चलो CO2 रेफ्रिजरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फैमिली से बता देंगे इनऑर्गेनिक वाले सर, ये भी इनऑर्गेनिक में आ जाएगा, एस ब्लॉक से है, ये भी इनऑर्गेनिक डायपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग से आ जाएगा, ये देखते हैं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन क्या हो गया, 0। फॉर अंडर एडियाबेटिक कंडीशन क्यू क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। तो हम जानते हैं डी यू इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अरे जब ये 0 तो ये 0 तो ये भी 0, डी यू भी 0 हो गया, और डी यू इक्वल टू क्या होता है, एन सी वी डी टी, ये भी क्या हो जाएगा 0। अब ऐसा वाला कहीं है, देखो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 88 का थर्ड, डब्ल्यू 0 डेल्टा टी 0 क्यू 0। यस हाँ, 89 नंबर क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो आपको याद होनी चाहिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पर है ये क्वेश्चन। तो इसमें जैसे CO सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, फिर CN आता है इसमें, उसके बाद में आपके पास ऑक्सेलेट C2O42 नेगेटिव, फिर हेलोजन आते हैं, और फिर आपके पास थायोसाइनेट SCN नेगेटिव आता है। तो ये सीक्वेंस आएगी लिगेंड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ये है अकॉर्डिंग टू लिगेंड स्ट्रेंथ। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है और ये वीक फील्ड होते हैं, ये वीक फील्ड होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये हमारा आंसर जो देखो थर्ड आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक का पार्ट आपका अच्छा हुआ होगा, पेपर काफी इजी है, स्कोरिंग भी है ठीक है, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन तो इजी है, फिजिकल और ऑर्गेनिक के भी आप देख सकते हो कि फिजिकल में थोड़ा सा रहता है, तो फिजिकल के थोड़े क्वेश्चन आपने अच्छे से किए हैं, तो शायद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका अच्छा ही हुआ होगा। ओके बच्चों, थैंक यू। ओके, तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन CH3 पॉजिटिव स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन
क्यों? देखो यहां अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 9 है, जबकि यहां अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 5 है। तो यहां हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, वहां हाइपर कंजुगेशन कम है। मोर द हाइपर कंजुगेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो आंसर कौन सा चला जाएगा हमारा, सेकेंड चला जाएगा। ओके, तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था जो पेपर बनाया गया था, इसमें कोई भी इधर उधर से नहीं था, तो इसमें आपका स्कोर खूब आया होगा और आना भी चाहिए ऐसे पेपर में जो 2021 वाले हैं। ओके, और उम्मीद करता हूं कि आया भी है, सभी का अच्छा पेपर होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाँ भाई बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो अब हम मिलते हैं सीएलसी की अपने पास में दंगल टेस्ट सीरीज 10 के साथ में, और इसके अंदर हम अपने पास में बॉटनी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बच्चों लगभग 55 क्वेश्चन अपने पास में बॉटनी के अंदर से हैं। ये अपना प्रीवियस ईयर 220 का अपने पास में जो है पेपर है, तो अपने पास में उसको अपने पास में डायरेक्ट आपको दिया गया है। तो अब पहले क्वेश्चन से जो बॉटनी के हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आपके जूलॉजी वाले सर जूलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन जो है इसमें है आपके अपने पास में 91 बॉटनी का क्वेश्चन है। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेटेड ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों अपने पास में सिंपल सा बात आपसे पूछा है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, अनुलेखन के दौरान डीएनए के हेलिक्स को कौन खोलता है? तो आपको पता है कि भाई रेप्लिकेशन के दौरान अपने पास में जो मामला होता है वो थोड़ा सा अलग होता है रेप्लिकेशन में, और अपने पास में ट्रांसक्रिप्शन में मामला थोड़ा अलग होता है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए पॉलीमरेज के काम ही नहीं आता, तो डीएनए लाइगेज भी नहीं आता, डीएनए हेलिकेज भी नहीं आता, तो ट्रांसक्रिप्शन में एक ही एंजाइम काम आता है, वो कौन है अपने पास में? आरएनए पॉलीमरेज। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज इसका अपने पास में आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब इसका आंसर अपने पास में कौन हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अपने पास में, एंड ये जूलॉजी का क्वेश्चन है आपके, ये भी जूलॉजी का है। अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फंक्शन इन प्लांट सेल। आपको अनिवार्य तत्वों को उनके फंक्शन के साथ में मिलाना है। तो आपसे पहले अपन बोरोन से मिलाते हैं। तो बोरोन आपको पता है कि प्राग कणों के अंकुरण में काम आती है, प्रागनलिका का फॉर्मेशन करवाती है। दूसरा अपने पास में मैग्नीज जो है बच्चों वो जल अपघटन में काम आता है, जल अपघटन में। जिंक अपने पास में बहुत कम काम आता है, क्लोरीन और मैग्नीज अपने पास में ज्यादा काम आते हैं। जिंक नहीं, कैल्शियम क्लोरीन और मैग्नीज जो होते हैं ये तीन एलिमेंट होते हैं जो अपने पास में जल अपघटन में काम आते हैं। जिंक जो होता है बेटा ये आयोडीन अपने पास में जो है जिंक ऑक्सीजन के संश्लेषण में आवश्यक होता है, और ऑक्सीजन का आपको पता है कि IAA जो है अपने पास में ये कौन सा एक आर्टिफिशियल नेचुरल अपने पास में ऑक्सीजन है, तो अपने पास में इसके ऐसे में वो काम आएगा, बायोसिंथेसिस में काम आएगा। और बच गया आयरन, तो आयरन आपको पता है कि Fe जो होता है वो अपने पास में क्लोरोफिल में पाया नहीं जाता, लेकिन क्लोरोफिल के सिंथेसिस में योगदान देता है, तो अपने पास में रिक्वायर फॉर क्लोरोफिल के अंदर फॉर्मेशन के अंदर। तो अब इसको आप मिला लोगे बच्चों। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपने पास में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 आपको क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर यूनिसेलुलर एल्गी। एक कोशिकीय शैवाल पूछा है, जो आपको पता है कि भाई अपने पास में एक कोशिकीय अपने पास में एल्गी पूछा है। एनाबिना अपने पास में नहीं होगा, तो अपने पास में क्लोरुला और स्पाइरुलिना जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है, तो क्लोरुला और अपने पास में स्पाइरुलिना जो है वो यूनिसेलुलर है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में वोल्वेक्स जो है ये मल्टी सेलुलर के अंदर आ जाता है बच्चों, तो ये अपने पास में नहीं होगा। और ये तो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी में तो अपने पास में कोई यूनिसेलुलर होता ही नहीं है, तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपने पास में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 95 के बाद में? क्वेश्चन नंबर 96 आपको क्या कह रहा है? द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम एंड फोटोरेस्पायरेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ। आपको पता है कि फोटोरेस्पायरेशन में रूबिस्को जो होता है वो अपने पास में 5 कार्बन का RUBP जो होता है वो किससे जुड़ेगा?
ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो 5 कार्बन का RUBP है, अगर ये CO2 से जुड़ता है तो टोटल 6 कार्बन हो जाते हैं, तो बेटा 3 कार्बन के 2 यौगिक बन जाते हैं, लेकिन ये 5 कार्बन का है तो यहाँ पर एक कार्बन के एक तो क्या होगा 3 कार्बन का यौगिक बनेगा और एक अपने पास में क्या होगा 2 कार्बन का यौगिक बनेगा। ठीक है, तो अपने पास में PEP और फॉस्फोग्लाइकोलेट जैसे अपने पास में कंपाउंड बनेंगे तो आंसर विल बी अपने पास में 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। 96 के बाद में अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो अपने पास में क्या होगा क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है अपने पास में बॉटनी का, तो देखेगा द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जर्नेशन वन विद इन द अदर। ठीक है, पादप का वह कौन सा भाग है जिसमें 2 पीढ़ियां एक दूसरे के अंदर होती है। बच्चों पादप के अंदर 2 पीढ़ी होती है, एक होती है गैमेटोफाइट जर्नेशन और एक अपने पास में क्या होगी बेटा स्पोरोफाइट जर्नेशन। क्लियर है, स्पोरोफाइट जर्नेशन में पादप के अंदर अपने पास में अपन एंजियोस्पर्म के जो है ये एग्जाम्पल है, तो रूट स्टेम जो लीफ है, रूट स्टेम लीफ और फ्लावर। ठीक है, तो अपने पास में फ्लावर भी अपने पास में ये सारे के सारे किसके पार्ट है बेटा, ये सारे के सारे स्पोरोफाइट के पार्ट है। फ्लावर के अंदर बनता है मेल गैमेटोफाइट जो अपने पास में होता है कौन पोलन ग्रेन, और अपने पास में फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो कौन होता है एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक और अपने पास में कौन पोलन ग्रेन, ये दो है जो अपने पास में क्या है बच्चों, ये दोनों अपने पास में फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट है। तो एंथर अपने पास में जो है वो किसका पार्ट है लीफ, एमोडिफाइड लीफ है, तो अपने पास में एंथर किसका पार्ट हो जाएगा लीफ का पार्ट हो जाएगा। तो अपने पास में स्टेमन उसका ही तो पार्ट है भाई, मॉडिफाइड लीफ है, तो अपने पास में एंथर क्या हो गया 2N और इस एंथर के अंदर N क्या है पोलन ग्रेन, तो गैमेटोफाइट किसके अंदर है स्पोरोफाइट में, फर्स्ट आंसर। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन तो खुद ही अपने पास में हैप्लोइड है तो गैमेटोफाइट है उसमें नहीं होगा। सीड इनसाइड द फ्रूट, सीड भी स्पोरोफाइट, फ्रूट भी स्पोरोफाइट, तो ये भी नहीं होगा। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए और डी, मतलब आपका ऑप्शन सेकंड। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद की करते हैं 99 के बाद में, 99 के बाद में अपने पास में क्वेश्चन नंबर 100 आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट, अंतर विशिष्ट कायों के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहला आपके पास में है कि दे फ्री लाई इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है, अपने पास में जो प्रोकैरियोट सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म में फ्रीली अपने पास में मूव करते हैं। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है, फॉस्फोरस है तो अपने पास में मेटाक्रोमेटिक कणिकाएं हो गई, ग्लाइकोजन को स्टोर कर रही है तो फूड वैक्यूल हो गई वगैरह अपने पास में, ये किसी झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है, किसी झिल्ली से अपने पास में घिरे हुए नहीं होते हैं। अब इसके बाद में है कि फोर्थ ऑप्शन है ये खाद्य कणों को अंतर्ग्रहण में शामिल करते हैं, अंतर्ग्रहण में नहीं भाई, इनजेशन में अपने पास में ये कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं, तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा 4। हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, तो 100 के अंदर अपने पास में स्ट्रोबिलाई एंड कॉर्न्स आर फाउंड इन स्ट्रोबिलाई शंकु, आपको ये बिल्कुल डायग्राम बना करके दे रखा है 21 सिटम का, 21 सिटम के डायग्राम में साफ साफ रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कौन बनते हैं स्पोरोफिल जुड़ करके स्ट्रोबिलाई या शंकु का फॉर्मेशन करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता है ओजोन के लिए हुआ था, ओम से आपको याद रखना है, 1987 में बना ये 1989 में इफेक्टिव हुआ, तो ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों का इमिशन अपने को क्या करना था कम करना था, उनका उत्सर्जन कम करना था। नेक्स्ट की अपन बात करते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट अपने पास में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 102 के बाद में अपने पास में क्वेश्चन नंबर 104 आपसे कह रहा है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट, कि अपने पास में बॉडी जो है बीजांड का बीजांड वर्त से जुड़ा हुआ भाग, तो आपको पता है ये हमारे पास में ओव्यूल होता है बच्चों इस तरह से, और ओव्यूल का अपने पास में जो ये भाग यहाँ से जुड़ता है
इस भाग को अपन क्या बोलते हैं, हाइलम, नाभिका। तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, नाभिका या हाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 104 के बाद में अपने पास में क्वेश्चन नंबर 105, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड, ठीक है, एक वेक्टर में सहलग्नी डीएनए की प्रति की संख्या को नियंत्रण करने वाले अनुक्रम को क्या कहते हैं। देखो बेटा, आपको पता है एक होता है आरओपी और एक होता है उसके अंदर ओआरआई। ओआरआई जो होती है, ठीक है, ये अपने पास में डिसाइड करती है कि आप कितने कॉपी बनाएंगे। तो अपने पास में ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ये अपने पास में डिसाइड करती है कि कितनी कॉपी बनाएंगे। तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगी, ORI, क्योंकि सेलेक्टेबल मार्कर आइडेंटिफाइड करते हैं कि भाई सेलेक्ट करना है कि कौन किसका है या नहीं है, किसमें डीएनए ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ है। रिकॉग्नाइज साइट अपने पास में कट करने के लिए काम आती है। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस अपने पास में जो रिकॉग्नाइज साइट होती है किसी भी पैलेंड्रोमिक डीएनए की, तो वो अपने पास में जैसे मान लो कि आपके इक्वार फर्स्ट है न्यूक्लियस की, तो वो अपने पास में उल्टा सुल्टा मतलब जैसे 5' से 3' और 3' से 5' हम चलें तो दोनों तरफ अपने पास में क्या हो, सेम सीक्वेंस पढ़ने में आए, तो वो पैलेंड्रोमिक साइट कहलाती है। तो उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है बच्चों। तो इस तरह से अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में और क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधित एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचानिए, ठीक है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही बात है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये यूजफुल होते हैं क्योंकि अपने पास में रिकॉम्बिनेट डीएनए हमें बनाना पड़ता है। स्टिकी एंड कैन बी जॉइंड बाई यूजिंग डीएनए लाइगेज, ठीक है। स्टिकी एंड तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड है ना बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंड है तो बिना लाइगेज के ही अपने आप क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अपने पास में ये हो गया आपको अब, और इसमें अपने पास में जोड़ने के लिए क्या नहीं चाहिएगा, डीएनए लाइगेज अपने पास में नहीं चाहिएगा, ये अपने आप ही जुड़ जाएंगे, तो ये रॉन्ग हो गया। ईच रेस्ट्रिकेशन एंजाइम फंक्शन बाई इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस, प्रत्येक प्रतिबंधित एंजाइम डीएनए अनुक्रम की लंबाई का निरीक्षण का कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्योंकि भाई निरीक्षण तो करेंगे जब उनको पैलेंड्रोमिक साइट पहचाननी है, तो पूरी की पूरी साइट पर घूमेंगे और फिर वो अपने पास में वहां पर पैलेंड्रोमिक साइट अपने पहचानेंगे। दे कट द स्टैंड ऑफ डीएनए एट पैलेंड्रोमिक साइट, आगे वाला इसी लाइन को कंप्लीट कर रहा है कि अपने पास में पैलेंड्रोमिक साइट से डीएनए को क्या करता है, कट करता है। तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 107 में अपने पास में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स। और आपको पता है कि भाई लेग्यूम प्लांट की नाइट्रोजन जो अपने पास में स्थिरीकरण होता है उसमें आपको पता है कि क्या बनता है, अमोनिया बनती है और हाइड्रोजन बनते हैं, और अपने पास में एटीपी खर्च होते हैं एक मॉलिक्यूल के लिए 8, टोटल 2 मॉलिक्यूल के लिए कितने एटीपी का खर्चा होता है, 100 एटीपी का। रिडक्टिव एमिनेज के नाम से आपको एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है, तो आंसर सेकंड हो जाएगा, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा अपने पास में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेटेड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, प्रकाशिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहां से सुगम बनाता है। आपको पता है कि पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होता है तो ये जाता है प्लास्टोक्विनोन के पास, ये देता है साइटोक्रोम B6 को, साइटोक्रोम B6 किसको देगा, प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन अपने पास में किसको देगा बेटा, पीएस फर्स्ट को। तो इस तरह से अपने पास में ये प्रोसेस होता है। तो अपने पास में ये किस किस के बीच में सुगम बना रहा है, पीएस सेकंड टू साइटोक्रोम B6 एंड F कॉम्प्लेक्स, तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा, 3rd। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है देखिएगा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, ट्रांसलेशन अनुवादन की प्रथम प्रक्रिया कौन सी है। तो अनुवादन में क्या होता है बेटा, पहले अपने पास में DHU लूप जो होती है वो अपने पास में क्या करती है, एमिनो एसिड को एक्टिव कराती है। तो एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, अब इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। फिर क्या होता है कि एमिनो एसिड एक्टिव होने के बाद में ये आकर के जुड़ते हैं टीआरएनए पर, ठीक है। तो
अपने पास में टीआरएनए पर एमिनो एसिड जाके जुड़ते हैं तो अपन इसको बोलते हैं एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो अपने पास में दूसरी स्टेप अपने पास में क्या हो जाएगा, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब ये लोडेड टीआरएनए है बच्चों, ये लोडेड टीआरएनए क्या करेगा, अपने पास में एमआरएनए पर आकर के बाइंड होगा। एमआरएनए पर आकर के बाइंड होगा तो इसको रिकॉग्नाइज साइट पर टालनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा। फिर अपने पास में ये राइबोसोम से बाइंड होता है, तो पहले अपने पास में एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड और दूसरा अपने पास में एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। क्लियर हो गया बच्चों, तो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, द रूट ऑफ द रूट दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम आर। भाई अपने पास में क्या होता है, जो एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि मूलांकुर जो रेडिकल होता है वो अपने पास में नष्ट हो जाता है, तो सारी रूट कहां से निकलती है, स्टेम के बेस से, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। क्लियर है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। नहीं, ये अपने पास में जूलॉजी का क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस अपने पास में आ गया। इन जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। आपको पता है कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में डीएनए को उसकी साइज और चार्ज के बेसिस पर अपने पास में अलग करते हैं। अब ये अलग होने के बाद में डीएनए को विजुअलाइजेशन करने के लिए, उसको दिखाई देने के लिए हम ईटी काम में लेते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड, और उसके ऊपर कौन सी रेज डालते हैं, अल्ट्रावायलेट। तो ये अपने पास में कैसे कलर के, नारंगी कलर के अपने पास में प्लेट्स के रूप में दिखाई देगा। तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा बच्चों, 4। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है, 114 द एंजाइम। ये भी अपने पास में जूलॉजी का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अपने पास में इकोलॉजी का है, 116 अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। आपको पता है बेटा, रॉबर्ट मे ने ये बताया था कि 7 मिलियन स्पीसीज डाइवर्सिटी है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 70 अपने पास में लाख के लगभग अपने पास में क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी है, इन्होंने ये बताया था। और इसमें से डिस्कवर कितनी की गई है, 1.5 से 1.7 मिलियन। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है, तो कोई इसमें सोचने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। जीव का जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए सुमेलित कीजिए। पहला है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बीटी। बीटी आपको पता है बच्चों, अपने पास में क्राई प्रोटीन उत्पन्न करता है, और ये अपने पास में क्राई प्रोटीन इंसेक्टिसाइड प्रोटीन होती है, इंसेक्ट को मारने का काम करती है। तो अपने पास में बीटी का 4th से अपने पास में मैच हो जाएगा। थर्मस एक्विटस आपको पता है बच्चों, एक आर्की बैक्टीरिया है, और आर्की बैक्टीरिया अपने पास में ये कौन सा है, थर्मो एसिडोफिल्स, मतलब हाई टेम्परेचर पर रहने वाला, और इससे अपने पास में टैग पॉलीमरेज, जिसे डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, वो ऑब्टेन होता है। और टैग पॉलीमरेज अपने पास में 100 डिग्री तक अपने पास में काम करने के लिए कैपेबल होता है, तो इसमें अपने पास में 3rd हो जाएगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंसिस एजी, सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन की थी, इसने तो की थी, जीन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, तो अपने पास में क्या करता है, क्लोनिंग वेक्टर में अपने पास में इसको यूज में लिया जा सकता है। और सोलमेनेला टाइफ्यूरियम जो होता है बेटा, 1st RDNA इसी में बनाया गया था, सोलमेनेला टाइफ्यूरियम में। तो अपने पास में इस तरह से मैच करते हैं, तो 4th, 3rd, 1st अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या कह रहा है, हाँ, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू जीवन फेज, जीवन गैप ऑफ इंटरफेज, अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको पता है कि जीवन प्रावस्था में क्या होती है, कोशिका जो है वो अपने पास में मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ग्रोथ करती है, पर डीएनए को रेप्लिकेशन नहीं करती है। डीएनए का रेप्लिकेशन किसमें होता है बेटा, एस फेज में होता है। तो एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो आंसर तो 1st हो गया। न्यूक्लियर डिवीजन एम फेज में अपने पास में कैरियोकाइनेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस एस फेज में होता है। सभी सेल अवयवों का पुनर्गठन टीलोफेज में जाते हुए होता है बच्चों।
तो इस तरह से अपने पास में ये देखेंगे तो जीवन का अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है भाई अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विरोइड्स, विरोइड्स के बारे में क्या सही है। आपको पता है कि विरोइड्स जो है बच्चों अपने पास में क्या है, सबसे छोटा अपने पास में प्रियोन्स है, प्रियोन्स से बड़े विरोइड्स है। विरोइड्स में लो मोलिकुलर वेट का अपने पास में क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है जो किसी से भी कवर्ड नहीं होता है। वायरस में अपने पास में कवर्ड होता है प्रोटीन कोड कैस्पिड से, और इसमें अपने पास में कवर्ड नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे कि लो मोलिकुलर वेट आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है बच्चों देखिएगा, द ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ प्लांट शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर, कि भाई किसी का ट्रांसवर्सल सेक्शन काटे तो उसमें एनाटॉमिकल फीचर ये थे अपने पास में, लार्ज नंबर स्क्रेड वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ। ठीक है भाई, अपने पास में देखो बिखरे हुए स्वैनपुल है, इसका मतलब क्या हो गया, बिखरे हुए स्वैनपुल है, इसका मतलब अपने पास में मोनोकोट हो गया, क्योंकि डाइकोट में तो अपने पास में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो बिखरे हुए स्वैनपुल तो उसमें पाए नहीं जाएंगे, कैम्बियम बनती है, तो अपने पास में आंसर तो मोनोकोट में अपने को देखना है। ठीक है, लार्ज अपने पास में कॉन्सेंट्रेटेड पैरेन्काइमा ग्राउंड टिश्यू स्पष्ट बहुत मर्दुतक उत्तक होता है। ठीक है, संयुक्त एवर्दी, एवर्दी का मतलब ग्रोथ नहीं होती है, इसका मतलब मोनोकोट स्टेम हो गया। ठीक है, और मोनोकोट स्टेम में एनसीईआरटी में लाइन बिल्कुल साफ लिखी हुई है कि मोनोकोट स्टेम के अंदर अपने पास में क्या नहीं पाया जाता, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3rd हो जाएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पर चलते हैं, तो नेक्स्ट अपने पास में आता है, यह तो अपने पास में हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आपको बेसिक अमीनो एसिड अपने पास में याद करना है कि क्षारीय अमीनो अम्ल कौन है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे बेटा, लाइसिन वैलिन उदासीन है, टायरोसिन और ग्लूटामिक एसिड का, तो अपने पास में लाइसिन क्षारीय अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, अब अपने पास में नेक्स्ट अमीनो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, इसमें क्या कह रहा है आपको देखेगा, स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू, स्नो ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि मोतियाबिंद एक अपने पास में रोग होता है, जिसमें क्योंकि आपको पता है कॉर्निया जो होता है बच्चों, कॉर्निया अपने पास में केवल अल्ट्रावायलेट बी को अपने पास में एब्जॉर्ब करता है, तो कॉर्निया केवल अल्ट्रावायलेट बी को अपने पास में एब्जॉर्ब करने के कारण से जो अपने ओजोन है उसमें अगर डिप्लेशन होगा तो अल्ट्रावायलेट बी रेज ज्यादा आएंगी और उससे स्नो ब्लाइंडनेस होगी, तो इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, तो इसकी वजह से अपने पास में ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, तो आंसर 4 हो जाएगा। सम बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्यूसेंट स्टेज, दिस प्रोसेस अकर इन द एट द एंड ऑफ, देखो बच्चों आपको पता है कि G1 से सेल निकल करके G0 में आती है, G0 से सेल वापस किसके अंदर एंटर होती है, G1 के अंदर, क्योंकि देखो ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म, वो अपने पास में बढ़ने का काम किसके अंदर होता है, G1 के अंदर, तो ये इम्बेलेंस होगा तो ये सेल अपने पास में डिवाइड करेगी, तो सेल वैसे तो G1 के मिड से ही अपने पास में निकल जाती है, लेकिन अपने पास में आंसर चला जाएगा G1 के एंड में। कई कोचिंगों में इसके अपने पास में दोनों भी आंसर दे रखे हैं, तो अपने पास में आप उसके ऊपर नहीं जाना, अपन नीट का जो आंसर आया उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट अपने पास में जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, वो अपने पास में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वोबल एक्सिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी, विश्व के कौन से अपने पास में अधिकतम स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, आपको पता है बेटा अमेजोन के जंगल अपने पास में डाइवर्सिटी रिच है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अपने पास में अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर होती है, तो ये तो आपको कुछ कर रहा ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, पहला कह रहा है सैपवुड इज द इनरमोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज
लाइटर इन कलर, ये बिल्कुल सही बात है, हल्के रंग की होती है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भीतरी द्वितीयक दारू है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो भाई भीतरी तो अपने पास में कौन सी वुड है, हार्टवुड है, हार्टवुड सबसे अंदर होती है जो अपने पास में दब दब करके नष्ट होती है, बाहर होती है अपने पास में उसके कौन सैपवुड, तो रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन एंड रेजिन ऑयल एटसेट्रा हार्टवुड इन डार्क कलर, बिल्कुल सही बात है अपने पास में। नेक्स्ट है हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट, सेंटर में होती है, जाइलम दब जाता है सेकेंडरी जाइलम के अपने पास में इफेक्ट से, तो अपने पास में पहली बात है कि भाई सेंटर में होती है तो ये वाटर कंडक्ट नहीं करती है। और सैपवुड इज इन्वॉल्व टू कंडक्शन ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है, सैपवुड जो होती है वो वाटर को अपने पास में कंडक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फ्लोरिडन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, आपको पता है रेड एल्गी के अंदर अपने पास में स्टोरेज फूड होती है फ्लोरिडन स्टार्च, और वहां पर लिखा हुआ है हाईली ब्रांच्ड होती है, और हाईली ब्रांच्ड होती है तो अपने पास में ब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो है वो अपने पास में किसके सिमिलर होगी, ग्लाइकोजन के, क्योंकि भाई आपको पता है कि ग्लूकोज के बहुलक ग्लाइकोजन और अपने पास में स्टार्च दोनों ही ब्रांच्ड होते हैं, लेकिन हाईली ब्रांच्ड जो होती है अपने पास में वो कौन होती है बेटा ग्लाइकोजन, तो एमाइलोपेक्टिन ज्यादा अमाउंट में होते हैं इसलिए ग्लाइकोजन के सिमिलर हो गए, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पॉपुलेशन, आपको पता है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स इकोलॉजी के अंदर लिखे हुए हैं, तो अपने पास में मोलैलिटी है, अपने पास में सेक्स रेशो है, नेटलिटी है, ये अपने पास में जन्म दर मृत्यु दर और लिंग अनुपात पॉपुलेशन के कैरेक्टर है, आपका भी लिंग अनुपात देखा जाता है, जन्म दर आपकी कैलकुलेट होती है, मृत्यु दर आपकी कैलकुलेट होती है, लेकिन स्पीसीज इंट्रैक्शन जो है भाई ये पॉपुलेशन का नहीं है, ये कम्युनिटी का अपने पास में क्या है कैरेक्टर है, तो स्पीसीज इंट्रैक्शन कम्युनिटी कैरेक्टर है, इसलिए आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट की बात कर ले, नेक्स्ट देखिएगा अपने पास में आपसे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल टीसीए साइकिल में अपने पास में आपसे पूछा है, तो अपने पास में सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर अपने पास में एक जगह एटीपी बनता है अपने पास में या फिर जीटीपी बनता है, भाई फॉस्फोर लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल का मतलब डायरेक्ट बिना अपने पास में किसमें जाना ईटीएस में गए बिना अगर अपने पास में एटीपी का प्रोडक्शन होता है, अपन क्या लिखते हैं 3NADH2 बनते हैं, इसका मतलब इनको कहां लेने पड़ेगा हमें ईटीएस में, 2FADH2 बनते हैं कहां लेना पड़ेगा ईटीएस में, और एक क्या बनता है जीटीपी या एटीपी, तो ये है एक एटीपी या जीटीपी बनता है जो सक्सनिल कोएंजाइम के अपने पास में बीच में बनता है, तो वहां पर अपने पास में क्या करना पड़ता है बच्चों सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इसको बोलना पड़ता है, तो एक स्टेप है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में, नेक्स्ट अपने पास में क्या है आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सपेरिमेंट विद डाइजेस्टिव सिस्टम, जूलॉजी का क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में जूलॉजी का है, इससे नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है इन रिलेशन टू ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखो बेटा जीपीपी ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सकल प्राथमिक उत्पादकता और एनपीपी नेट प्राइमरी अपने पास में प्रोडक्टिविटी, जीपीपी में से हम रेस्पायरेशन रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म में जो खर्च कर देते हैं उसके बाद में जो बनती है वो अपने पास में क्या कहलाती है एनपीपी, इसका मतलब क्या हुआ कि जीपीपी हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एनपीपी, एनपीपी का वॉल्यूम अपने पास में क्या होगा कम होगा, तो अपने पास में अब आंसर आपको सही छाटना है, तो सकल प्राथमिक उत्पादकता एक अभिन्न एक ही है नहीं बिल्कुल नहीं है, तो सकल प्राथमिक उत्पादकता नेट प्रोडक्ट कोई संबंध नहीं है, संबंध है क्यों नहीं है, सकल प्राथमिक उत्पादकता नेट प्राथमिक कम होती है नहीं ज्यादा होती है, आंसर अपने पास में क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या कर रहा है नेम ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्पेयरिंग ऑन शुगर कैन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर कैन क्रॉप, बच्चों आपको सिंपल सी बात है कि जो अपने पास में लेंथ इंक्रीज करेगा शुगर कैन की वो अपने पास में कौन होगा, वो अपने पास में होगा जिब्रेलिन, क्योंकि जिब्रेलिन डालने से अपने पास में इंटरनोड की लेंथ बढ़ जाती है, तो आंसर अपने पास में क्या हो गया 4। नेक्स्ट अपने पास में बात करेंगे अपन,
अपने पास में क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन अपने पास में और स्ट्रिचाइन और अपने पास में कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ऑफ देयर, ठीक है। स्ट्रिक्निन अपने पास में, कैफीन, निकोटीन, ये किसके लिए अपने पास में उपयोग किए गए, कोई भी पादप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इनको बनाया था। अब इंसान है कि इनको अपने पास में यूज करता है अलग अलग प्रोडक्टिविटी में, अलग अलग चीजों में, तो इंसान ने उनको यूज करना स्टार्ट किया। प्लांट ने अपने किसके लिए बनाए थे, सेफ्टी के लिए अपने पास में इन चीजों का फॉर्मेशन किया था, तो डिफेंस एक्शन है ये अपने पास में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है, ये अपना नहीं है, जूलॉजी का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में अपने पास में जूलॉजी का क्वेश्चन है और इसमें देखो चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, आपसे करेक्ट पेयर पूछा है और आपसे कहा गया है न्यूक्लियस सेपरेट द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। न्यूक्लियस डीएनए के दोनों रज्जुकों को पृथक करता है। बच्चों न्यूक्लियस एक्जो है तो वो तो न्यूक्लियोटाइड को पृथक करेगा, एंडो है तो रज्जुकों को जरूर पृथक कर देगा, तो इसलिए अपने पास में इसको अपन गलत मान करके चलेंगे क्योंकि न्यूक्लियस में दोनों कैटेगरी आती है, एक्जो और एंडो। अब आपका एक्जो न्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन डीएनए, विद इन डीएनए थोड़ी है, अपने पास में डीएनए में नहीं है, डीएनए के किनारों को काटता है। अपने पास में दूसरा है लाइगेज, लाइगेज जॉइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है। प्लाज्मिड के अंदर अपने पास में एक डीएनए बैक्टीरिया का है, एक आर्टिफिशियल बार से जोड़ा गया है, तो ये अपने पास में सही बात है। और पॉलीमरेज तो तोड़ता थोड़ी है, पॉलीमरेज तो न्यू डीएनए का सिंथेसिस करता है, तो ये हमारे पास में रॉन्ग हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 141 क्या कहता है, बीटी कोटिन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस थ्योरी बीटी इज रेजिस्टेंट टू, अपने पास में बीटी कपास की जो किस्म है बैसिलस थ्योरी जीनेसिस के विष जीन को समाविष्ट करके बनाई गई है, किसके लिए प्रतिरोधी होती है, तो आपको पता है बेटा इंसेक्ट और अपने पास में पेस्ट के प्रति प्रतिरोधी होती है, ये बिल्कुल अपने पास में क्वेश्चन है। अब इंसेक्ट प्रीडिएटर के प्रति नहीं होती है, इंसेक्ट तो इंसेक्ट खाने वाला इंसेक्ट प्रीडिएटर कहलाएगा, ठीक है, तो ये तो इंसेक्ट के लिए ही अपने पास में क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है, तो ये अपने पास में आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट वाइज अवायवीय अपांग से पात्र में डाला जाता है। तो देखो बेटा अपने पास में हम अगर बात करें अवायवीय अपने पास में अपांग जो अपने पास में होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो एक्टिवेटेड स्लज है भाई हमारे पास में कुछ एक्टिवेटेड स्लज होता है, कुछ अपने पास में ऐसा फ्लॉग व्लॉग बन जाते हैं और फ्लॉग व्लॉग के बाद में जो एक्टिवेटेड स्लज होता है उसको अपने पास में क्या किया जाता है, दोबारा इस टैंक में अपने पास में डाला जाता है एनारोबिक में, ताकि वो वापस से अपने पास में क्या कर सके, गुणन कर सके और उसकी संख्या बढ़े। जिस तरह से अपन दूध में जावण वगैरह डालते हैं ना भाई, अपने पास में दूध में हम छाछ डालते हैं दही जमाने के लिए, तो वैसे ही अपने पास में कुछ अपने पास में अवशेष लेकर के और अपने पास में उस पात्र में डाला जाता है ताकि अपने पास में ज्यादा से मात्रा में क्या हो सके, फ्लॉग बन सके, तो एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। तो ये हो गया, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सबस्टेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन द स्ट्रक्चर, उप पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचना में ग्लाइकोसिडिक और पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। बच्चों आपको पता है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है इसके अंदर अपने पास में क्या होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो इनुलिन में होता है, इनुलिन जो होता है वो किसका बहुलक है, फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज अपने पास में क्या है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट से जुड़ेगी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। और अपने पास में प्रोटीन जो है या अपने पास में और प्रोटीन जिसमें इंसुलिन प्रोटीन है, तो प्रोटीन के अंदर कौन से बॉन्ड होंगे बेटो, पेप्टाइड बॉन्ड, तो प्रोटीन जुड़ेगी पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा अपने पास में बच्चों,
मैच द कॉलम, ये अपने जूलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट की बात करते हैं, फिर मैच द कॉलम क्वेश्चन आया वन, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड आपको मैच करना है। क्लास्ट्रिडियम ब्यूटालिज्म, इससे अपने पास में ब्यूटायरिक एसिड प्राप्त होता है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए होता है। मोलस्कस परप्यूरस से अपने पास में क्या प्राप्त होता है, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है, और इससे अपने पास में ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोवरिंग एजेंट स्टेटिन प्राप्त होता है, ठीक है। मोलस्कस परप्यूरस से कौन प्राप्त होता है, स्टेटिन। तो ये हमारे पास में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास में जूलॉजी का क्वेश्चन है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये भी अपने पास में जूलॉजी का क्वेश्चन है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये भी जूलॉजी का क्वेश्चन है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोट। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मतलब अपने पास में अगर प्रोटीन से जुड़े हुए कार्बोहाइड्रेट है तो क्या होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड से जुड़े हुए कार्बोहाइड्रेट है तो क्या होंगे, ग्लाइकोलिपिड। ये कोशिका के आधार कार्ड होते हैं, इसके आधार पर कोशिका अपने पास में और किसी को पहचानती है बच्चों, और इसको सिक्रेट करने का काम किसका होता है, गोल्जी बॉडी का, क्लियर है। हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो अपने पास में नेक्स्ट में देखिएगा क्या है, नेक्स्ट अपने पास में आपसे पूछा है द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इकोआर फर्स्ट, तो अपने पास में GAA-TTC, तो अपने पास में GAA-TTC, तो थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट में देखिएगा डिजोलेशन ऑफ सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग, भाई अपने पास में सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स का डिजोल्यूशन हो रहा है, तो जायगोटिन में वो बनता है, तो जायगोटिन में अपने पास में उसका क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। पैकाइटिन में वो अपने पास में रहता है और डिजोल हो जाता है डिप्लोटीन में, तो अपने पास में डिप्लोटीन में डिजोल हो जाता है, आगे अपने पास में चला जाता है, क्लियर है। क्योंकि भाई देखो अपने पास में दो होमोलोगस क्रोमोसोम को पास लाने के लिए जो कॉम्प्लेक्स बना उसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोला। जायगोटिन में बना लेप्टोटिन पहले आ जाती है, अब इसमें बना तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, तब तक तो वो अपने पास में रहेगा ना, जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है उसके पास वो डिजोल होना स्टार्ट होता है, तो डिप्लोटीन में होता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट देख लीजिएगा बच्चों अपने पास में आपसे पूछ रहा है कि मैच द ट्रॉपिक लेवल विद देयर करेक्ट स्पीसीज एग्जाम्पल ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। आपसे प्रथम पोषक स्तर पर पहुंचा है, तो प्रथम पोषक स्तर पर कौन आएंगे बेटा, जो अपने पास में प्लांट होंगे, द्वितीयक जो प्लांटों को खाने वाले होंगे खरगोश, तृतीयक पर अपने पास में कौन आएंगे, जो अपने पास में कौवा वगैरह, और चतुर्थक पर कौन आ जाएंगे, गिद्ध वगैरह जो वल्चर वगैरह होंगे, वो डिकम्पोजर होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। तो अपने पास में इस तरह से अगर हम मिलाते हैं तो प्रथम पोषक स्तर पर घास आती है, तो अपने पास में सी में फर्स्ट आ जाता है, सी में फोर्थ आ जाता है, आंसर ये हो गया सेकंड, और अपने पास में थर्ड फोर्थ, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, आपसे क्या पूछा गया है, ये जूलॉजी का क्वेश्चन है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में अपने पास में क्या आपसे पूछा गया है, देखो आपसे मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे फिर कहा गया है कि बीटी कॉटन है, तो बीटी कॉटन तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से मिला दो, एडिनोसिन डाइएमिनेज है तो जीन थेरेपी करेगा, आरएनए इंटरफेरेंस है तो अपने पास में ये क्या करेगी बेटा, सेलुलर डिफेंस करेगा अपने पास में, किसके द्वारा, आरएनए की साइलेंसिंग द्वारा, और पीसीआर है तो ये अपने पास में आपको पता है कि लो अमाउंट में जब अपने पास में पैथोजन होते हैं तो उसको डिटेक्ट करने का काम किसका होता है, पीसीआर का होता है, तो इसको आप मिला लोगे। नेक्स्ट के अंदर चलते हैं बच्चों, ये जूलॉजी का क्वेश्चन है, अब अपने पास में इसके बारे में देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, भाई ग्रोथ मैक्सिमम कब होगी बच्चों, सिंपल सी बात है, आप सोचिएगा कि अपने पास में ये ग्रोथ का अपने पास में कर्व बनता है, लैग फेज जब एनवायरमेंट अपोजिट होता है, कोई स्ट्रगल कर रहा होता है तो स्ट्रगल में कोई ग्रोथ नहीं करता है, जब एनवायरमेंट अपने पास में सपोर्ट में होता है तो आती है लॉग फेज, तो मैक्सिमम ग्रोथ किस में होगी, लॉग फेज में, और फिर आ जाएगी लास्ट में अपने पास में कौन सी, स्टेशनरी फेज, जिसमें ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो मैक्सिमम ग्रोथ अपने पास में किस में होगी, लॉग फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में जूलॉजी का है, जूलॉजी का है, हाँ भाई, इसमें देखिएगा इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव बेस पेयर इज 0.034 नैनोमीटर, टोटल नंबर ऑफ द बेस पेयर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन ए टिपिकल मैमेलियन सेल इज 6.6 इंटू
10 की पावर 9, देन द लेंथ ऑफ सेल इज कितनी होगी डीएनए की। भाई आपसे ये कहा गया कि भाई दो क्षारक युग्मकों के बीच की दूरी 3.04 नैनोमीटर है, तो अब आपको निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.04 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर 9 से, और अब आपको पता है कि एक नैनोमीटर में अपने पास में 10 की पावर माइनस 9 मीटर होते हैं, तो अगर अपन इसको हटाएंगे तो ये 9 मीटर हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये अपने पास में आ जाता है बेटा 2.2 मीटर के लगभग। क्लियर है? तो अपने पास में नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रे फ्लोरेट किसमें होता है, तो आपको पता है ये सूर्यमुखी में होता है, और सूर्यमुखी की ओवरी जो होती है वो कौन सी होती है, इन्फीरियर ओवरी। इन्फीरियर ओवरी कैसे होती है बच्चों, आपको पता है कि अपने पास में ये ओवरी है और इसके ऊपर यहाँ पर केसीए होते हैं, तो अपने पास में ये कंडीशन हो अगर अपने पास में केसीए जो है वो ओवरी के ऊपर हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, केसीए के बेसिस पर हम तीन टाइप करते हैं केसीए की स्थिति के बेसिस पर, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस और पेरिगाइनस। तो बच्चों अपने पास में अगर केसीए ऊपर है तो कंडीशन एपी, और केसीए नीचे है तो कंडीशन हाइपो, और केसीए बराबर में है तो कंडीशन पेरिगाइनस। बच्चों इसमें ऊपर है तो एपिगाइनस, एपिगाइनस में ओवरी जो होती है वो कैसी होती है, इन्फीरियर, तो थर्ड आंसर आ जाएगा बच्चों अपने पास में इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, Which of the following statement is not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है आपसे पूछा है। The functional insulin has A and B chain linked together by hydrogen bond. बिल्कुल सही बात है, अपने पास में इंसुलिन जो होता है फंक्शनल, उसके अंदर क्या होता है बच्चों अपने पास में, अब देखिएगा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चैन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है कि जो फंक्शनल इंसुलिन होता है उसमें ए और बी अपने पास में दो ही चैन होते हैं, लेकिन बॉन्ड हाइड्रोजन की जगह कौन से होते हैं, सल्फर बॉन्ड होते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन इकोलाई, बिल्कुल सही बात है, इकोलाई में बनाया गया था। इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसिस्ड एज द प्रो इंसुलिन, बिल्कुल सही बात है। अपने पास में नेक्स्ट है द प्रो इंसुलिन हैज एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चैन सी, बिल्कुल बच्चों यही तो बात होती है, ये ए है, ये सी है और ये बी है, इस प्रकार से ये डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, फिर मैच्योर किया जाता है, तो ए और बी को रखा जाता है, सी को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, तो अपने पास में वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली पोलिनेटेड बाय, तो आपको पता है कि वाटर हाइसेंथ जो है इसमें अपने पास में पोलिनेशन होता है वो इंसेक्ट द्वारा होता है, और वाटर लिली में जो पोलिनेशन होता है वो एयर द्वारा होता है, तो अपने पास में इंसेक्ट और एयर अपने पास में आ जाएगा, तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा, इंसेक्ट और विंड पोलिनेशन। ठीक है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हाँ भाई इसके बारे में बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल, आपको पता है कि एनिमल सेल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट रेट में अपने पास में कोलेजन प्रोटीन होती है, क्योंकि कोलेजन फाइबर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्वस सिस्टम का, फिलिपर पैगविन का, हाँ आपसे कहा है द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लोज ऑफ वॉटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रासेज ब्लेड एट द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। भाई सुबह सुबह अपने पास में घासों के ऊपर जो ओस की बूंद आती है वो किसका एग्जाम्पल है बच्चों, आपको पता है कि मूलिय दाब लगता है छोटे पादपों में, उसके कारण से अपने पास में ये आता है, तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, मूलिय दाब। नेक्स्ट की बात कर लो, तो नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, मैच द कॉलम का कह रहा है बेटा, सबसे पहले पैकाइटिन को क्रॉसिंग ओवर से मिला दो, डिप्लोटिन जायगोटिन में कॉम्प्लेक्स बनता है तो सिनेप्सिस होगा, क्योंकि भाई सिनेप्टिन मेंबर कॉम्प्लेक्स से होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आएंगे, डिप्लोटिन में अपने पास में टर्मिनलाइजेशन होगा, और अपने पास में डाइकाइनेसिस जो नहीं देखो अपने पास में जायगोटिन सिनेप्सिस हो गया, तो अपने पास में जायगोटिन में सिनेप्सिस हो गया, पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटिन में अपने पास में क्या होगा, काइजमेटा का फॉर्मेशन होगा, और डाइकाइनेसिस सबसे लास्ट स्टेज है, उसमें काइजमेटा क्या हो जाएंगे, डिजोल हो जाएंगे, तो आंसर अपने पास में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट अपने पास में जूलॉजी का क्वेश्चन है, इससे आगे अपने पास में जूलॉजी का क्वेश्चन है, इससे आगे अपने पास में जूलॉजी का है, फिर अपने पास में हाँ
तो फिर अपने पास में क्वेश्चन है जो बोटनी का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बीज परिस्थिति को नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है। तो बच्चों अपने पास में जिब्रेलिन जो होता है ना, ये माल्टेज अपने पास में जो माल्ट होता है उसको अपने पास में घोलने का काम करता है, और माल्ट जब घुलता है तो अपने पास में उनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी एम्ब्रियो को, और अपने पास में फूड मिलेगा, तो ये डोरमेंसी को तोड़ने का काम करता है। क्लियर है? तो जिब्रेलिन इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, ओवरी हाफ इंफीरियर इज, ओवरी हाफ इंफीरियर किसमें होगी? तो इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर और प्लम प्लेच, और अपने पास में रोज इसके एग्जांपल है प्लम पीच और रोज। हाफ इंफीरियर वही अपने पास में मैंने आपको बताया थे ना बेटा, पेरिगाइनस कंडीशन, क्योंकि जब केसीए और ओवरी सेम पोजिशन पर होती है तो अपने पास में उसको अपन क्या बोलते हैं, हाफ इंफीरियर पोजिशन बोलते हैं। तो सेकेंड आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इनमें कोई सॉल्यूशन की बात भी नहीं है इतनी, ठीक है। हाँ तो मतलब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आपसे कहा गया है, तो आप इसमें देख लीजिएगा अपने पास में इनहिबिटर कैटालिटिक एक्टिविटी, तो ये अपने पास में मेलोनेट हो जाएगा। आपको पता है सक्सनिक डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है। पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता है प्रोटीन में होता है, अभी पीछे मैंने बताया कि मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो कोलेजन प्रोटीन का होता है। सेल वॉल ऑफ फंजाई काइटिन की बनी होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का बहुलक होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होता है वो रेजिन होता है। तो रेसिन अपने पास में इस तरह से क्या हो गया बच्चों, ये सिंपल सा एक पेपर था आपका जो नीट के अंदर आया हुआ था, तो हमने इसका सॉल्यूशन कराया और यही पूरा पेपर आपको दिया हुआ है। तो अपने पास में आपने बेहतरीन तरीके से पेपर दिए होंगे, सबके अच्छे नंबर आए होंगे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट दंगल में। हेलो बच्चों, जय सी एल सी। उम्मीद है कि आपके दंगल के पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे, जो जो आपको समस्याएं आ रही हैं वो धीरे धीरे दूर होती जा रही होंगी। तो आज हम जो दंगल 10 है हमारा, उसके बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे, बॉटनी का पेपर बॉटनी वाले सर डिस्कस करेंगे, हमारे जो इस पेपर में जूलॉजी के क्वेश्चंस हैं हम उन जूलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 92 इस पेपर के अंदर जूलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब है कि यूरिन के थ्रू पानी जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है, यानी पोलीयूरिया कंडीशन है, और ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर पानी की कमी है। फर्स्ट है एटीएफ कॉज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। एटीएफ जो है एएनएफ, वो एएनएफ आपका काम नहीं करता है कि डायूरेसिस को वो रोके, वो डायूरेसिस को इंक्रीज करता है। डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ रेनिन बाई जे जी सेल्स, मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ ए डी एच, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एन ए पॉजिटिव एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है कि अगर एल्डोस्टेरोन आता है तो वो आपकी जो ट्यूब्स हैं रीनल ट्यूब्स उनके ऊपर काम करेगा, और रीनल ट्यूब्स पर काम करके वो सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, यानी उसमें यूरिन से यूरिन के थ्रू वो कम बाहर निकलेंगे और वापस ब्लड के अंदर आ जाएंगे। तो आपका ऑप्शन आएगा फोर्थ, एल्डोस्टेरोन के कारण वक्त नलिकाओं से एन ए पॉजिटिव एवं जल का पुनर्अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93 नंबर क्वेश्चन, मियोटिक डिविजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट इज कंप्लीटेड। द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है, तो द्वितीयक अंडक जो है उसका अर्धसूत्री विभाजन कब पूर्ण होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन, नहीं, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम। सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन सेकंड, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन आएगा सेकंड, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन के समय, इसमें द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, जो दो हमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखा है उनसे मैच करना है। फर्स्ट है आपका इओसिनोफिलस। इओसिनोफिलस इम्यून रेस्पॉन्स नहीं, फैगोसाइटोसिस नहीं, रिलीज हिस्टामिन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। ए के अंदर आ जाएगा आपका थर्ड। बेसोफिलस रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेन हिस्टामिन, बेसोफिलस हिस्टामिन का सिक्रेशन करता है।
नेक्स्ट न्यूट्रोफिलस, न्यूट्रोफिलस जो है वो आपके फैगोसाइटिक नेचर का है। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स आपके इम्यून रेस्पॉन्स से रिलेटेड है। तो हमारा इसके अंदर आंसर आ जाएगा आंसर थर्ड, ए में, ए में थ्री, बी में फोर, सी के अंदर सेकंड और डी के अंदर फर्स्ट। तो हमारा जो थर्ड है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 98, मैच द फॉलोइंग कॉलम, वही कॉलम दे रखे हैं आपको। सबसे पहले है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा HCG का सिक्रेशन करती है, ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। जो ना पहला सुडा लेयर है ओवम की, बेल्बोरेथ्रल लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, ये जो लुब्रिकेशन है उसका काम करती है आपको बेल्बोरेथ्रल, और लैंडिंग सेल्स ये एंड्रोजन का क्या करती है सिक्रेशन। तो ए में थर्ड, बी में सेकंड, सी के अंदर फोर्थ और डी के अंदर फर्स्ट। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 109, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स लेवल विल कोज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, यानी अंडोत्सर्ग या फिर ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। मेनली ये होता है तब जब LH का लेवल हाईएस्ट पीक पर होता है, LH सर्ज हो, 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। लो कंसंट्रेशन ऑफ LH गलत है, हाई कंसंट्रेशन चाहिए हमें। लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH नहीं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोन। इन केस के अंदर जो LH के लिए हमें कुछ नहीं बता रखा है तो हम एस्ट्रोजन को मानेंगे कि एस्ट्रोजन का हाई कंसंट्रेशन है, इसकी वजह से भी ओवुलेशन हो रहा है। तो आंसर आएगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 112, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग ये पूछ रहा है कि इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। हायर एच प्लस कंसेंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन को बनने में मदद करता है हायर एच प्लस कंसेंट्रेशन, ये गलत है। एच प्लस कंसेंट्रेशन लो होना चाहिए, पीएच जो है वो भी आपका मॉडरेट होना चाहिए, आपका जो इसमें CO2 का लेवल है PCO2 वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो हाई होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा वही रॉन्ग है इसके अंदर, कि वायु कूपिकाओं में एच प्लस की उच्च सांद्रता ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 114, द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, एंटेरोकाइनेज ड्यूडेनम सिक्रेट करता था और एंटेरोकाइनेज का काम था कि ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115, एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन, वंशानुगति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण दिया था मॉर्गन ने। उसने ड्रोसोफिला पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और बताया था कि क्रोमोसोम के थ्रू जो वंशानुगति है उसका सिद्धांत, यानी गुणसूत्र के थ्रू जो वंशानुगति है उसका सिद्धांत आपके मॉर्गन ने दिया था। तो ऑप्शन आएगा सेकंड, मॉर्गन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 121, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन द क्लोज फ्लास्क। मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें उसे जो अमीनो एसिड मिला था बंद फ्लास्क के अंदर, उसमें उसने क्या क्या यूज किया था। उसने मिथेन को यूज किया था, उसने हाइड्रोजन का यूज किया था, उसने अमोनिया का यूज किया था, उसने वाटर वेपर का यूज किया था, और इन सबको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसने बॉयल किया था। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर CH4, H2, NH3 और जल वाष्प को उसने बॉयल किया था। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 130, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र के संबंध में जो सही कथन है उसका हमें चयन करना है। इलियम इज ए हाईली कोइल्ड पार्ट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है आपका। वर्मीफॉर्म ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट सही है। अगला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम डुडेनम, डुडेनम से वो नहीं निकलती है।
अगला जो आपकी ईलियम है वो छोटी आंत में खुलती है, ये भी गलत है। सिरोसा जो है वो सबसे इनर मोस्ट नहीं, आंतरिक नहीं, सबसे बाह्य स्तर होता है, तो फोर्थ वाला भी गलत है। तुम्हारा आंसर आएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्टेड थ्रू फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, मतलब वो कंसीव नहीं कर पा रही है, इसका रीजन ये है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज करेंगे हम लोग, और उसे लैब के अंदर फर्टिलाइज करा के एग को उसको अप टू 8 ब्लास्टोमीयर तक का है तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, और 8 ब्लास्टोमीयर से ज्यादा है तो उसे यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे, तो ZIFT और ZIUT या IUT, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका थर्ड, ZIFT और IUT। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 135। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, सही मैच है उसको हमें ढूंढना है। पहला है सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्रोमोसोम नंबर 11, दात्र कोशिका अरक्ता एलिंग क्रोमोसोम ए प्रभावी लक्षण, और वो है गुणसूत्र नंबर 11 के ऊपर, फर्स्ट ही आपका करेक्ट है 135 के अंदर। हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट्स, फर्स्ट वाला गलत है। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसीमिया, नहीं ये हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, मींस जो आपका ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में तोड़ना, और इस ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज होएगा ये, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ेगा, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा वो बिल्कुल सही है, आंसर है थर्ड। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 137। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द करेक्ट एग्जांपल ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व ड्यू टू चेंज इन द एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब मानवीय क्रियाओं के द्वारा जो एवोल्यूशन हुआ है वो कैसे, वो उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास यहाँ पे। डार्विन फिंच ऑफ द गालपोगोस आइसलैंड, बिल्कुल नहीं है, मानवीय क्रियाओं के द्वारा हुआ उद्विकास नहीं है। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीड्स, खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध, बिल्कुल ये मानव के क्रियाओं से हुआ उद्विकास है। ड्रग रेसिस्टेंट यूकैरियोटिक्स, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी मानव की क्रियाओं से हुआ उद्विकास है। मैन क्रिएट ब्रीड ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स, मनुष्य द्वारा बनाई पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्ल, ये भी बिल्कुल सही है आपका, डी आंसर आ जाएगा इसका, फर्स्ट BCD तीनों जो है ये मानव द्वारा क्रिया के वजह से हुआ उद्विकास दर्शाते हैं, तो हमारे 137 का आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 139। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द एवोल्यूशन डिसअप्रूव्ड बाय, क्रमागत उन्नति में भ्रूणीय प्रसार को किसने अस्वीकार किया था, वॉन बेयर था बेटा जिसने इसको अस्वीकार किया था, तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड, वॉन बेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। गोबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, इसमें आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ, कॉलमनर एपिथीलियम सेल स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं जो हैं उन्हीं के रूपांतरण से आहार नाल में गोबलेट कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फाइलम कोर्डेटा, कोर्डेटा के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन यूरोकोर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, नहीं। इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, बिल्कुल सही है, वर्टिब्रेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड सिर्फ कब मिलती है, भ्रूण अवस्था के दौरान। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS इज डोर्सल एंड होलो, पृष्ठ सतह के ऊपर है और वो कैसा होता है, खोखला, ये भी बिल्कुल सही है। कोर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू 3 सब फाइलम हेमिकोर्डेटा, ये गलत है, हेमिकोर्डेटा नहीं आएगा यहाँ पे, हेमिकोर्डेटा अलग से अपना फाइलम है, इसलिए आंसर है इसका बी और सी दोनों करेक्ट है, ऑप्शन आ जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। मैच द फॉलोइंग डिजीज विथ द
पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। थायराइड जो है वो है साल्मोना टाइफी, इस ऑर्गेनिज्म से होता है। निमोनिया जो है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से हो सकता है। फिलेरिसिस ये होता है वुचेरिया से। नेक्स्ट है मलेरिया, मलेरिया है आपका प्लाज्मोडियम से। तो ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी के अंदर फर्स्ट और डी के अंदर सेकंड, आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 147। बाय विच मेथड वाज न्यू ब्रीड हिसार ड्रेल ऑफ स्पीसीज फॉर्म बाय यूजिंग बीकानेरी या बीकानेरी एवीज और मेरिनो रैम्स। मेरिनो रैम्स के और बीकानेरी एवीज को यूज करते हुए नई नस्ल हिसारडेल जो डेवलप हुई थी वो हमने करवाई थी क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू। एक टाइप का संकरण या क्रॉस ब्रीडिंग थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 148। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द EICM, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं इंक्रीज, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज नहीं डिक्रीज। तो आपका ए और बी दोनों सही है, आंसर है हमारे पास में थर्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 149, कॉलम मैचिंग है। गार्गेरियस पॉलीफेगस पेस्ट लॉक्सा एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री अरीय सममिति, लार्वा वो है वो बाइलेटरल है, वो है आपका एस्टेरिस। बुक लंग्स स्कॉर्पियो के पास होते हैं श्वसन करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। बायोल्यूमिनस जैव प्रदीप्ति का गुण मिलता है टीनो पिलाइना के अंदर। तो ए में फोर्थ, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड और डी में थर्ड, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 154। हाउ मेनी ट्यूब ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर विच आर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाले मटर के पौधे की कितनी किस्म युगों का चुनाव किया था जो विपरीत विशेषांगों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी। उसने टोटल 14 लिए थे। प्योर एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन है आपका ये 14, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 156, कॉलम मैचिंग करनी है। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट साइक्लोस्टोमेटा हेट्रोसील कोडल फिन कॉन्ड्रेक्थीज एयर ब्लेडर्स ऑस्ट्रिक थीज पॉइजन सिटिंग विषदंत ट्राइगोन के अंदर पाए जाते हैं आपके। तो ए में थर्ड, बी के अंदर है आपका ए में सेकंड, ए में सेकंड, बी के अंदर है आपका थर्ड, बी में थर्ड, सी के अंदर है आपका सी के अंदर फोर्थ और डी के अंदर है फर्स्ट। ए में सेकंड और बी के अंदर थर्ड, सी में फोर, या आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 158। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा तंत्र जो है या प्रतिरक्षा जो है उससे संबंधित असत्य कथन कौन सा है। एक्टिव इम्यूनिटी आपकी सक्रिय प्रतिरक्षा क्विक नहीं होती, वो उसमें दो रेस्पॉन्स होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें टाइम लगता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ही जो है वो आपका रॉन्ग है, गलत है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 159, मैच दी कॉलम, कॉलम मैचिंग करनी है। फ्लोटिंग रिब्स ये किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं होती हैं, यानी स्टर्नम के साथ में कनेक्टेड नहीं है, पीछे सिर्फ वर्टिबल कॉलम के साथ में कनेक्टेड है। एक्रोमियन क्लेविकल में, स्कैपुला ये आपके सेकेंड यानी दूसरी और सातवीं सेवंथ रिब जो है इसके बीच में उपस्थित होती है। ग्लेनोइड कैविटी ये मिलती है ह्यूमरस के सीड्स के ऊपर या हेड ऑफ ह्यूमरस। आपका जो आंसर है इसके अंदर
ए में फोर्थ, बी में थर्ड और सी के अंदर फर्स्ट और डी में सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन 161, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेट डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का मतलब है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज की उपस्थिति होनी चाहिए निश्चित रूप से, और इंसिपिडस जो थी उसमें यूरिन के अंदर ग्लूकोज उपस्थित नहीं होता। मेलाइटस जो है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। तो मेलाइटस में कीटोयूरिया और ग्लाइकोसूरिया, आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कीटोयूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया, तो पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 162, बायलेटरल सिमेट्री द्विपार सममिति ए सिलोमीटर ए सिलोमेटिक, यानी जिसमें गुहा उपस्थित नहीं है या सिलोम उपस्थित नहीं है, एगुह्य है। एनिमल का एग्जाम्पल कौन है? वो हमारे पास एक ही है, दैट इज प्लेटी हेलमंथीज। प्लेटी हेलमंथीज के अंदर जो सिलोम है वो उपस्थित नहीं होती, लेकिन सममिति जो है वो द्विपार्श मिलती है। आंसर आएगा फोर, प्लेटी हेलमंथीज। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 164, द इन्फेक्शन स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज। प्लाज्मोडियम की कौन सी संक्रमण अवस्था मानव में प्रवेश करती है? वो है आपका स्पोरोजोइट्स। आंसर आएगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ द माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। सूक्ष्मांकों के ब्रश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला उपस्थित होती है आपके पीसीटी में, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स ऑफ द नेफ्रॉन। आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 168, 168 नंबर, दो कॉलम दे रखे हैं, एक साइड में आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और दूसरी तरफ उन ग्रंथियों से होने वाले रोग हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है उसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। अगर एडीएच का सिक्रेशन कम हो या ना हो तो यूरिन का ज्यादा स्त्राव होता है, लेकिन यूरिन के अंदर आपके ग्लूकोज उपस्थित नहीं होता। थायराइड ग्लैंड, इसकी वजह से ग्रेव्स रोग हो सकता है। नेक्स्ट एड्रिनल ग्रंथि, एडिसिन डिजीज हो सकती है। पैनक्रियाज, इंसुलिन कम है तो डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज उपस्थित होगा। आपका ए में फोर, ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी के अंदर फोर्थ और डी के अंदर सेकंड, पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो आंसर आएगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 170, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लीव फॉर फ्यू डेज। अगर कॉकरोच का सिर हटा दिया जाता है फिर भी वो कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, क्यों? इन द हेड होल्ड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट ऑफ द सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। पहला ही ऑप्शन सही है कि उसके सिर के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है उसका बहुत छोटा सा भाग होता है, शेष भाग जो है उसका वो अदर सतह या फिर वेंट्रल साइड के अंदर उपस्थित होता है, इस वजह से वो कुछ दिन तक जीवित रह सकता है। हमारा आंसर आएगा आंसर फर्स्ट, 170 के अंदर फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, और एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, और एनालॉगस ऑर्गन्स की वजह से होने वाले उद्विकास को आप बोलते हो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अभिसारी उद्विकास ए सी एनालॉगस, और ए मतलब एनालॉगस, सी का मतलब कन्वर्जेंट, तो आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ईसीजी का जो है वो किसको बताता है? वो अलिंद नहीं निलय के बारे में बताता है हमें, और निलय के डीपोलराइजेशन या फिर विध्रुवण को डिनोट करता है वो, कि निलय जो है उनका डीपोलराइजेशन या विध्रुवण हो रहा है, यानी वो संकुचन कर रहे हैं। आंसर आएगा इसका फर्स्ट, 174 का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 175, सेलेक्ट दी ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी के बारे में पूछा है कि सभी एसटीडी कौन सी है, एड्स है, मलेरिया नहीं, फिलेरिया नहीं, कैंसर नहीं, एड्स जो है वो भी नहीं,
एड्स है, सॉरी एड्स है, सिफेलिस है, इसमें कैंसर नहीं है, इसमें कॉर्निया है, सिफेलिस है और जेंटल हार्पिस जो है वो भी है, सुजाक सिफेलिस जर्निक परिसर्प, ये सारी की सारी क्या है आपके एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। तो हमारा इसका आंसर आएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176, आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप, आई जीन जो एबीओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है उससे संबंधित जो है गलत कथन का चुनाव करना है हमें। When आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टूगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, ये नहीं, आई ए और आई बी अगर एक साथ उपस्थित हैं तो आई ए से ए शुगर मिलेगी, आई बी से हमें बी शुगर मिलेगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वही आपका इनकरेक्ट है या फिर रॉन्ग है, ऑप्शन आएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 178, कॉलम मैचिंग करना है, आपके ईयर से रिलेटेड बता रखा है इसमें, ऑर्गन ऑफ कोटाई ये है फोर्थ के अंदर, लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, कोक्लिया कोइल्ड पार्ट ऑफ द लैम्ब्रिथ, यूस्टेकियन ट्यूब कनेक्टेड मिडिल ईयर एंड द फेरिंग्स जो कि नेजोफेरिंग्स वाले भाग में खुलती है, स्टेपीज अटैच टू द ओवल विंडो, शरीर की सबसे छोटी बोन स्टेपीज जो कि आपके घोड़े के नाल के समान होती है, ये कहाँ खुलती है, ओवल विंडो के अंदर। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट में फोर, सेकंड में बी में सेकंड, सी के अंदर फर्स्ट और डी के अंदर थर्ड, पहला आंसर आ जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट। सो यहीं तक हमारा जूलॉजी का पेपर था जिसको हमने डिस्कशन किया था, आई होप कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है था इसमें जो 2020 के अंदर आया था। तो नेक्स्ट दंगल के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जय सीएलसी।